So today's chapter is quadratic equation, and this is chapter 4 of class 10th. So in this chapter, what we are going to learn? We are going to learn ki jo day-to-day life ki situations hoti hai, means practical situations. Un situation ko, how we represent those situation, the practical situation, mathematically. Kaise humne kisi ne kuch aapko conditions batai, kuch situations batai, एंड उन सिचुएशन को आप कैसे मैथमेटिकली कन्वर्ट करते हैं ये सीखेंगे पहला चीज़। और जब आपने किसी सिचुएशन को मैथमेटिकली यदि कन्वर्ट कर लिया, मीन्स एक इक्वेशन फॉर्म में बना लिया, तो हमको अगला चीज़ जो सीखेंगे वो ये सीखना है हमको कि हाउ टू चेक द मैथमेटिकल इक्वेशन इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। दोबारा रिपीट करते हैं कि जो हमारी डे टू डे लाइफ में डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं, कंडीशंस होती हैं, क्या हम उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आंसर इज़ येस। एंड इफ़ इट इज़ येस, तो जो इक्वेशन बनी वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं है उसको कैसे पता लगाते हैं? क्योंकि हमको ये मालूम चल गया यदि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो हमारे लिए सॉल्यूशन निकालना उसका इजी हो जाता है। और यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्यूशन निकालना है तो उसके दो तरीके होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। वन इज कॉल्ड बाई फैक्टराइजेशन एंड अनदर इज कॉल्ड बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो तरीके से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बाई फैक्टराइजेशन तो आपने नाइन्थ में पढ़ाई था थोड़ा बहुत, उसको थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे, बट इन डिटेल वी विल स्टडी बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर हाउ टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जब हम इस सॉल्यूशन को यूज़ कर रहे होते हैं या इस मेथड को यूज़ कर रहे होते हैं टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें एक टर्म आती है दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। तो हाउ टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, और खाली डिस्क्रिमिनेंट पता लगा के हम क्या बोल सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो चीज़ के बारे में हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत सिंपल है, ठीक है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे हम नॉर्मली करते हैं, वी रिवाइज व्हाट वी हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस। तो हमने नाइन्थ में जो भी लर्न किया है उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। उससे बेनिफिट क्या होगा हमको कि हम एक तो रिविज़न हो जाएगा और प्लस हमको ये मालूम चलेगा जो हम नाइन्थ में पढ़ा है उसके ऊपर हम क्या बिल्डअप कर रहे हैं, मीन्स उसके बेस पर, नाइन्थ के बेस पर अब आप क्या और सीख रहे हो, मीन्स यू आर बिल्डिंग यू आर इंक्रीजिंग योर नॉलेज, हाँ वो क्या चीज़ है। तो हमने स्टार्ट किया तो लाइक ये इक्वेशन मैं आपको देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, वट इज इट, कैन यू टेल मी? यस यू आर राइट, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दैट मीन्स क्वाड्रेटिक वर्ड आपने पहले भी पढ़ा हुआ है और पॉलिनोमियल आपको मालूम है। और वाई इट इज इक्वेशन, दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक, ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक क्यों है? क्यों? क्योंकि x की पावर, जो वेरिएबल x है उसकी पावर क्या है, 2, पावर बोलो या डिग्री, डिग्री इज 2। एंड वेन एवर एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है, दैट पॉलिनोमियल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमको क्वाड्रेटिक तो मालूम चल गया, अब हमको क्या पता लगाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस पॉलिनोमियल को, यदि मैं इक्वेशन नहीं है ये पॉलिनोमियल है, इक्वेशन बनाना है तो मैं क्या करूँगा, दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, यदि मैं जीरो बोल देता हूँ, इट बिकम्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस पूरे चैप्टर के अंदर हम इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेर ए बी सी आर क्या होते हैं उसके कोफिशियंट और एक्स क्या है वेरिएबल, एक्स की पावर क्या है 2 या डिग्री 2, इस टाइप की इक्वेशन को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये इक्वेशंस हम डे टू डे लाइफ में आप देखोगे बहुत बार बनती है। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इज लाइक दिस कि एक चैरिटी ट्रस्ट है एंड दे डिसाइडेड टू बिल्ड अ प्रेयर हॉल, इनको एक बड़ा प्रार्थना गृह बनाना है। हैविंग अ कारपेट एरिया ऑफ 300 मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर्स, कारपेट एरिया मीन्स क्या होता है, जिस पर बैठ के वो कारपेट जिसके ऊपर बैठ के लोग पूजा कर सकें, उतना बड़ा बिल्डिंग बनानी है उसका एरिया दिया हुआ है। विद इट्स लेंथ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, लेंथ जो है ब्रेथ के दुगने से 1 मीटर ज़्यादा है, ये एक कंडीशन और दी हुई है। यदि मैं इसको डायग्राम में बनाऊं और मैं अज्यूम कर लूं कि सपोज इसकी जो ब्रेथ है वो क्या है, एक्स, तो लेंथ कितनी हुई, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 1, दैट इज व्हाट इज गिवन। तो यदि मुझे ये मालूम है और एरिया मुझे मालूम है, कारपेट एरिया कितना है 300 मीटर स्क्वायर, यदि ये मेरे को दोनों चीज़ें मालूम है, लेंथ और ब्रेथ और एरिया मालूम है, तो आई कैन फाइंड आउट कि उसकी टोटल लेंथ या टोटल ब्रेथ कितनी होगी। क्यों? इससे मुझे एक इक्वेशन बन जा रही है। क्या इक्वेशन बन जा रही है, आई नो द एरिया, एरिया ऑफ अ हॉल एंड हॉल किस शेप में है, इज़ अ रेक्टेंगुलर
रेक्टेंगुलर शेप क्या होते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, सो लेंथ इज 2x + 1 इंटू एक्स मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर में वैल्यूज नहीं हुई है, डायमेंशन है इसकी। इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं, x को इससे मल्टीप्लाई करो, 2x² + 1 प्लस एक्स, वी कैन राइट दिस वे। सो वी नो द एरिया, एरिया की वैल्यू दिया, तो आई कैन कंपेयर, दोनों को कंपेयर किया जा सकता है। लेट्स कंपेयर कि 2x² + x इज इक्वल टू 300। अब इस 300 को यदि मैं लेफ्ट में ले जाऊँ तो इक्वेशन विल बिकम समथिंग लाइक दिस, 2x² + x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। और यदि आप इस इक्वेशन को देखें और जो ऊपर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी बताई, क्या ये दोनों सेम है? यस, दे आर एग्जैक्टली सेम। देखो x की पावर क्या है, 2, तो इट इज क्वाड्रेटिक। इसके कोफिशियंट हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, और ये माइनस 300 है, तो कोफिशियंट तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो कोफिशियंट भी है, वेरिएबल x भी है, मीन सिंगल वेरिएबल x की जगह y भी हो, y² + y हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस नाम चेंज हो गया, x की जगह y हो गया, z हो सकता है, s हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल। यू कैन पुट योर नेम ऑल्सो, सपोज योर नेम इज उदय, तो यू कैन से 2 × उदय² + उदय - 300 = 0। क्योंकि हम इतना बड़ा नहीं लिखते हैं, वर्ड नहीं यूज़ करते, क्या यूज़ करते हैं, एक अल्फ़ाबेट, दैट इज़ वाई उस अल्फ़ाबेट को, वेरिएबल को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो हमने क्या किया, बेसिकली जो हमको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई थी या रियल लाइफ सिचुएशन दी हुई थी कि एक ट्रस्ट को एक बिल्डिंग बनानी है जिसमें बैठने का प्रार्थना का जो स्थल होगा उसमें इतने इतना उसका एरिया होगा और लेंथ और ब्रेड के बीच में इतने का हमको डिफरेंस रखना है, तो आपको शेप मालूम चल गई, शेप से आपने रिलेशन निकाली एंड दैट रिलेशन फाइनली फॉर्म्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो दीज आर कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लियर है? ओके, थोड़ी हिस्ट्री समझ लेते हैं बिफोर वी मूव फर्दर। तो इसकी हिस्ट्री ऐसे स्टार्ट होती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज या कल किसी ने नहीं बनाई है, बहुत पहले से है। आपने नाम सुना होगा बेबुलिनियन, है ना, ईरान इराक के पास में थे, इन लोगों ने भी काफ़ी मैथमेटिक्स पे काम किया। तो हाउ टू फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स, दे वर नॉट वेरी क्लियर कि उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, बट दे हैव स्टार्टेड, हाँ, मतलब मोटा मोटी वही चीज़ थी। हाउ टू कैलकुलेट सम एंड प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स, पहली बात कि दो पॉजिटिव नंबर कैसे पता लगाएं, उनका सम और प्रोडक्ट कैसे पता लगाएं। तो आप देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब आगे पढ़ेंगे तो यही कॉन्सेप्ट पे वो काम करने लगे थे। तो बेसिकली दे आर वर्किंग ऑन और दे हैव वर्कड ऑन दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नाम नहीं दिया अभी तक। हाँ, उसके बाद आपने यूक्लिड के बारे में पढ़ा था, तो उन्होंने ज्योमेट्रिकल अपोज किया था टू फाइंड आउट लेंथ, ये हमने थोड़ा डिटेल में 9th में ही पढ़ा था और 8th में ही पढ़ा है। तो इन्होंने भी थोड़ा सा ज्योमेट्री के ऊपर काम किया, उस समय तक जितनी भी बुक्स थी इन्होंने एक जगह इकट्ठा कर ली थी, रिमेंबर। और यदि इंडिया की बात करें तो ब्रह्मगुप्ता जो थे, इन्होंने बहुत क्लियरली ना एक्सप्लिकेटिव फार्मूला टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उन्होंने नाम अभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिया था, बट उन्होंने फार्मूला लगा लिया था कि यदि इस तरह की कोई इक्वेशन होगी उसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो इंडिया में भी काफ़ी काम चल रहा था। इंडिया में एक और एक्सपर्ट थे मैथमेटिशियन, सिद्धार्थ आचार्य, तो जो श्रीधरा आचार्य, तो श्रीधरा आचार्य ने पहली बार ना क्वाड्रेटिक वर्ड का यूज़ किया एंड ही फॉर्म द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक वर्ड करीब करीब बोला जाए तो इंडिया में ही जो श्रीधर आचार्य थे उन्हीं की वजह से क्वाड्रेटिक वर्ड का यूज़ होना स्टार्ट हो गया। और यदि हम और देखें मुस्लिम वर्ल्ड में भी देखें तो अल ख्वा रिज्मी जो थे इन्होंने प्लस अब्राहम बार, इन दोनों ने भी कुछ कुछ काम क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया था और उन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश कर दी, उसका नाम था लिबर एम्बाडोरम। इस बुक के अंदर इन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया था, नाम वर्ड नहीं यूज़ किया पर उन्होंने सिमिलर टाइप की इक्वेशन को सॉल्व किया था। सो इस तरीके से हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पास्ट हिस्ट्री में ओवर द ईयर सेंचुरीज, राइट, लोगों ने उस पर काम किया, जो आज जाके हम जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, जिसकी ये ax² + bx + c = 0, ये उसकी क्या होती है, फॉर्म होती है। तो हिस्ट्री भी क्लियर हो गई। सो लेट्स स्टार्ट अपने चैप्टर में कि अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से समझें क्या हो रहा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो अभी तक आप क्या समझे कि कोई भी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल एक्स हो, कोई एक सिंगल वेरिएबल हो, और एक वेरिएबल की जो पावर हो क्या हो, ट्वाइस एक्स की पावर 2 हो, डिग्री 2 हो, तो सच अ पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स वेरिएबल। पहली चीज़ क्लियर हुई? ओके, वेयर वी राइट ए बी सी क्या है, ए बी सी आर रियल नंबर्स, पहले तो कोफिशियंट हैं
और ये रियल हैं, इमेजिनरी चीज़ नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ए जीरो हो गया तो एक्स की पावर जीरो, एक्स कुछ भी हो तो ये चीज़ जीरो ही हो गई, तो ये क्वाड्रेटिक बची नहीं क्योंकि पावर डिग्री खत्म हो गई, तो बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो कहता है लीनियर इक्वेशन हो गए, ये हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाई था। तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे लिखते हैं ए बी सी आर कोफिशिएंट, एक्स इज अ वेरिएबल, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, राइट। ओके, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, 2x² प्लस x माइनस 300, ये अभी हमने निकाला था, तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यदि मैं ऐसे लिखूँ 2x² माइनस 3x प्लस 1, क्या हुआ, कोफिशिएंट बस प्लस माइनस हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट। दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ आई राइट 4x माइनस 3x² प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अभी पहले x आ गया बाद में x² आया, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, मैं इसको रीअरेंज करके ऊपर वाले टर्म में लिख सकता हूँ, तो दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यदि मैं थोड़ा सा और ऐसा लिखता कि को जो एक कॉन्स्टेंट टर्म को आगे लिया था 1 - x² प्लस 300, तो क्या ये भी है, यस ये भी है, ये लिखने का तरीका है। अल्टीमेटली हम इस फॉर्म में क्या लिखते हैं, क्योंकि दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म, कि पहले बड़ी पावर लिखो फिर उसके बाद x की कम पावर लिखो और x की पावर जीरो, कॉन्स्टेंट में क्या होता है x की पावर जीरो, यहाँ पे क्या है x की पावर वन, इसलिए हम लिखते नहीं है, और यहाँ x की पावर जीरो वन होता है इसलिए नहीं लिखते हैं। तो हमने पावर 2, 1, 0 एक डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, एंड ये सारे एग्जाम्पल हमारे क्या हुए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुए। तो इनफैक्ट एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, वो पी इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, यही तो है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, उस पॉलिनोमियल को इज इक्वल टू, यदि मैं जीरो कर देता हूँ इट बिकम्स एन इक्वेशन, एंड दैट इक्वेशन इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। एंड वेयर पी एक्स जो पॉलिनोमियल है, पावर क्या होती है उसकी 2 होती है, तो हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एक्स को यदि मैं इक्वलेंट टू जीरो कर देता हूँ, ये हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था, वो क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जब मैं इस तरीके से लिखता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये लिखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज जैसे हमने पहले बोला ये जीरो तो खत्म, लीनियर हो गया। तो ये हमारी क्या हुई, स्टैंडर्ड फॉर्म, तो दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको हमेशा ये याद रखना है, कोई भी जैसे ही आपके दिमाग में एक किसी ने वर्ड यूज़ किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी ने यूज़ किया आपने कहीं देखा, तो आपके दिमाग में क्या इंप्रेशन या क्या इमेज बननी चाहिए, दिस वन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए इज नॉट इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्यों आपको याद रखनी है, क्योंकि हमारी सेवरल सिचुएशंस, हमारी जो पूरी दुनिया के अंदर है, हमारी चारों तरफ हैं, वो सारी चीज़ों को आप देखोगे, आप कन्वर्ट कर सकते हो इस फॉर्म में। और कोई भी फील्ड हो, मैथमेटिक्स तो छोड़ो छोड़ो, इन डिफरेंट फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, सबके अंदर आपको ये इक्वेशन आएंगी। व्हेन यू वांट टू फाइंड द सॉल्यूशन, पता लगा उस इक्वेशन को जब आपने सिचुएशन को कन्वर्ट किया मैथमेटिकली, वो यही बन गई, राइट। तो इसलिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत याद रखना है। यहाँ तक क्लियर है? सो अब कुछ एग्जाम्पल लेंगे। इस एग्जाम्पल से आप समझेंगे कि कैसे मैथमेटिकल इक्वेशंस को, तो वी हैव स्टार्टिंग द फर्स्ट पार्ट, कि मैथमेटिकल सिचुएशंस या एग्जिस्टिंग प्रैक्टिकल या एक्चुअल सिचुएशंस को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं। तो द क्वेश्चन इज लाइक दिस, दिस इज एग्जाम्पल 1.a, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली, एंड द सिचुएशन इज लाइक दिस, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। मार्बल्स क्या होते हैं, कंचे। तो इन दोनों के पास, जॉन और जीवंती के पास टोटल 45 मार्बल्स थे। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों के दोनों क्या हुए, 5 मार्बल्स उनसे गुम हो गए या हार गए मान लो गेम में। तो अब सिचुएशन ऐसे दे रहा है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। पहले तो उन दोनों के पास 45 थे, दोनों ने 5-5 लूज कर दिए, लूज करने के बाद जो भी उनके पास मार्बल बचे दोनों के पास, उन दोनों को यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो उसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, तो उन दोनों के पास कितने कितने मार्बल थे ये हमें पता लगाना है। उसको उसको जो पता लगाना है उसको हम पहले, हम मैथमेटिकली, हमें ये नहीं बताना कितने थे, पहले तो इस सिचुएशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है, दिस इज अवर एम। तो हम क्या बोल सकते हैं, वी विल अज्यूम समथिंग, इसका सोल्यूशन पता लगाना है, तो वी विल से लेट्स द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड बी एक्स, यदि जॉन के पास एक्स मार्बल थे
तो जीवंती के पास कितने होंगे, टोटल कितने हैं 45, तो जीवंती के पास कितने हैं 45 माइनस एक्स, दिस वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, देन द नंबर ऑफ मार्बल जीवंती हैड इज इक्वल टू 45 माइनस एक्स, दिस वे वी हैव टू राइट। क्योंकि जब मैथ्स में जब सोल्यूशन आप कर रहे होते हैं तो जो आप बोल रहे होते हैं उसको लिखना ही पड़ता है, दैट इज़ वाई आई एम रीडिंग अगेन, आई एम राइटिंग, ठीक है। तो हमने कहा जॉन के पास एक्स है तो जीवंती के पास कितने होंगे 45 माइनस एक्स होंगे। अब सेकेंड सिचुएशन क्या है, दोनों के पांच पांच मार्बल गुम हो गए या दोनों हार गए, ठीक है। तो एक्स जॉन के पास जो एक्स थे तो इसके पास कितने रह जाएंगे एक्स माइनस फाइव, राइट इट डाउन, तो नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जॉन व्हेन ही लॉस्ट फाइव मार्बल्स इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव। एग्जैक्टली सेम वे में जीवंती के पास 45 माइनस एक्स है, इससे हमको 5 माइनस कर दें तो वो जीवंती के पास होंगे, तो इसके पास कितने होंगे 45 माइनस एक्स जो था उसमें से माइनस फाइव, बिकॉज शी ऑल्सो लॉस्ट फाइव। आप देखो क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट कंडीशन, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। लॉस्ट होने के बाद इस जॉन के पास कितने बचे, इतने, जीवंती के पास कितने बचे, इतने, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इज इक्वल टू है 124। तो लेट्स राइट राउंड, तो विल राइट दिस वे कि देयरफॉर देयर प्रोडक्ट एक्स माइनस फाइव मीन्स दिस एंड 40 माइनस एक्स, क्योंकि हमने क्या किया इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, 45 में से 5 चले गए तो 40 रह गया, तो 40 माइनस एक्स दिस, जीवंती के पास इतने हैं अभी, जॉन के पास इतने हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट इसको थोड़ा सॉल्व करो, तो x से इसके मल्टीप्लाई 40x, इससे मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस फाइव को मल्टीप्लाई किया इससे माइनस 200, और माइनस माइनस प्लस हो गया 5 इंटू 5x, ये बन गया। इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लो, एक्स स्क्वायर को एक जगह लिख लो और एक्स एक्स वालों को एक साथ कर दो, 40 प्लस वाई 45 हो गया, तो आई कैन राइट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200। हम इस फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ x की जो पावर है उसमें लिखना होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसी होती है। अब ये क्या, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी गई है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि उसका प्रोडक्ट कितना हुआ था 124। तो आई कैन से कि दिस जो प्रोडक्ट आया, जो भी इक्वेशन फॉर्म आया, इज इक्वल टू 124। अब इस 124 को भी लेफ्ट में लियो, तो वी कैन राइट कि 124 200 में क्या हो गया था, माइनस हो जाएगा, तो ऐड हो गया, तो माइनस एक्स स्क्वायर 45x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। नॉर्मली हम लोग जो है एक्स की जो पावर होती है, मतलब जो कोफिशियंट होता है, उसको हम नॉर्मली प्लस में लिखते हैं, दिस इज ऑल्सो गुड, पर स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस में था ना, तो इसको माइनस, पूरी इक्वेशन को यदि माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, तो राइट इट डाउन दैट वे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। वट इज दिस, दिस इज वट इज, वट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो वी कैन से x square minus 45x plus 324 is equal to 0 is the equation which we have come out, or this is a situation mathematically written, जो हमने English के sentence form में लिखी थी या paragraph form में लिखी थी, now we are writing the same चीज, same thing, the number of marbles John had satisfying, John के कितने होंगे, John के पास x से start किए थे तो उसके भी जो marbles होंगे वो भी इसको satisfy कर रहा है, जीवंती के पास जितने मार्बल हैं वो भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यदि मैं एक्स की वैल्यू निकाल लूँगा तो मुझे जॉन के मार्बल मालूम चल जाएंगे, और यदि मैं जॉन के मालूम चल गए तो जीवंती के तो मालूम चल ही जाएंगे, तो वी कैन सॉल्व इट। बट अभी हमको सॉल्व नहीं करना है, हमको बस ये पता लगाना था क्या इस सिचुएशन को मैथमेटिकली लिखा जा सकता है, और यदि लिखा जा सकता है तो कैसे लिखते हैं, दैट इज़ वट वी हैव लर्न। चलो एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, एग्जाम्पल इज कॉल्ड 1B, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली, एक्जैक्टली सेम वे में, a cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of product of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total number of product was ₹750. Where we would like to find out the number of toys produced on that day? We would like to find out the number of toys produced on that day. Us din, kitne toys bane? तो आपको पढ़ते समय कुछ ही समझ में आई कि कॉटेज इंडस्ट्री है, छोटी इंडस्ट्री है, मीन्स वो क्या बनाती है, टॉयज़ बनाती है, सर्टेन नंबर बनाती है एक दिन में, फिक्स नंबर उससे ज़्यादा नहीं बना पाती, जो भी नंबर बनाती है, और इनकी कुछ कॉस्ट होती है, बेचती है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट जो बनाएगी तो कुछ खर्चा होगा, तो एक को जो बनाने में जो खर्चा होता है किस में, रुपीज़ में, हम रुपीज़ में बात कर रहे हैं, उन्होंने पता लगाया कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट टॉय, जो हर एक 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 टॉय को बनाने में जो खर्चा होता है, was found to be 55 minus the number of toys produced on a day.
जितने भी दिन भर में उन्होंने टॉय बनाए, सपोज 100 टॉयज बनाए, तो 100 माइनस 55 उसकी कॉस्ट होगी, मीन्स सपोज 45 रुपीज़ उसकी कॉस्ट होगी, ऐसे बोलूँ तो। अभी ये नहीं मालूम है हमको कि उन्होंने 100 बनाए या कितने बनाए, ये नहीं मालूम है, बट हमको एक चीज़ और दी हुई है, ये मालूम है कि किसी भी पर्टिकुलर डे में, इररेस्पेक्टिव द डे, महीने के, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज रुपीज़, सिर्फ एक पर्टिकुलर डे की बात करें तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज रुपीज़ 750। तो उस दिन जितने भी टॉय बने उनकी जो टोटल कॉस्ट थी, सपोज जैसे हमने बोला 100, तो एक माइनस 50 है 45 इंटू जो भी नंबर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब टॉयज बने, उनकी टोटल कॉस्ट थी 750। तो हम पता लगा सकते हैं यदि एक की 45 है तो 750/45 मालूम चल जाएगी। सो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो हमको पता लगाना है कि कितने टॉयज बनाए। तो हमको अभी इस सिचुएशन क्वेश्चन के अंदर हमको करना क्या है, वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन मैथमेटिकली। तो हमको क्या करना होता है, सबसे पहली चीज़ में हमको अज्यूम करना होता है। क्या अज्यूम करना होता है, जो पूछा है कि कितने टॉयज बनाए। तो लेट्स राइट दिस वे, लेट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे बी एक्स। उस पर्टिकुलर दिन जिस दिन टॉयज की टोटल कॉस्ट 750 थी, उस दिन उसने जो टॉयज प्रोड्यूस किए, सपोज एक्स प्रोड्यूस किए, यदि एक्स प्रोड्यूस किए तो हम क्या बोल सकते हैं, बेस्ड ऑन द अबव कंडीशन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय ऑन दैट पर्टिकुलर डे विल बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट, 55 माइनस एक्स, एक्स टॉयज एक्स प्रोड्यूस किए तो उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 55 माइनस एक्स, दैट इज व्हाट इज गिवन। ओके, एक और जो सिचुएशन दी है, ऑन दैट पर्टिकुलर डे टोटल कॉस्ट कितनी थी, 750। यदि हमको एक की कॉस्ट मालूम चल गई और कितने प्रोड्यूस किए तो टोटल कॉस्ट मालूम चल गई, तो x इंटू 55 माइनस एक्स, दिस वी कैन राइट। एंड इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, तो हम सॉल्व कर लेते हैं कि x माइनस 55 माइनस x इज इक्वल टू 750, दैट इज व्हाट इज गिवन। अब लेट्स सॉल्व इट, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। इन दोनों को एक तरफ ले आओ, या तो इन दोनों को राइट में ले जाओ या 750 को लेफ्ट में ले आओ, कैसे भी कर लो। तो इसमें हमने क्या किया, इसको इधर लिया है, तो हम वी कैन राइट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। यदि आप माइनस साइन स्टैंडर्ड फॉर्म में लगा रहे हैं तो माइनस साइन से क्या करो, पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 55 प्लस 750 इज इक्वल टू 0। दिस वे वी कैन राइट, एंड दैट इज वट मैथमेटिकली वी वर लुकिंग फॉर। देयरफॉर द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस दैट डे सेटिस्फाई दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वी कैन से, एंड दैट इज वट वी वी लुकिंग फॉर। So we have found out the, or we have converted the situation into a mathematical equation. That is what we were supposed to do. अभी solution नहीं पता लग रहे हैं, solution बाद में पता लगाएंगे। तो which is the required representation of the problem mathematically. So this way we normally write. अब इसको यदि आपको ना just solve करना है और ये सब नहीं लिखना है, राइट, एग्जाम में नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, पर यदि वैसे ही सॉल्व करना है तो आप बहुत सिंपली कर सकते हैं। एक की कॉस्ट एक्स है, मतलब एक्स टॉय प्रोड्यूस किया, 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750, तो डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करके तो बन गई। यदि आपको सॉल्यूशन पता लगाना है तो इसमें इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, यू विल गेट कितने उस दिन टॉय बनाए, एक्स की वैल्यू मालूम चल जाएगी तो उसकी कॉस्ट मालूम चल जाएगी। बट ये सब चीज़ हम क्यों लिखते हैं, जो हम सोच रहे हैं उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। यदि नहीं करोगे तो आपके एग्जामर को मालूम ही नहीं चलेगा कि आपने ये एक्स क्या चीज़ है, 55 माइनस एक्स क्यों आप ऐसे लिख रहे हो, दो ही नो वेरी वेल कि आप जो सिचुएशन है आपने उसको ऐसे लिख दिया है। पर यदि एक बच्चा ये पूरे स्टेप्स लिखता है प्रॉपरली, तो आज से 10 साल बाद भी टीचर यदि कोई भी पढ़ेगा, अनजान टीचर जो आपको नहीं जानता है, ही विल से यू हैव रिटन ऑल द स्टेप्स प्रॉपरली, क्योंकि हर स्टेप की एक इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, वेरी गुड। तो ये हम समझ गए हैं, तो इक्वेशंस को देख के हम बोल सकते हैं कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं, और सिचुएशन को भी हम क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लिया। तो नाउ आपको अब क्या करते हैं, आई विल गिव यू फ्यू इक्वेशंस, आप उसको देख के बताना है कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, दिस इज एग्जांपल टू, वेयर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट, यू हैव टू फाइंड आउट। तो ये इक्वेशन दिया, देखो एक्स स्क्वायर माइनस टू, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू 2x-3। इसको देख के आप बता सकते हो क्या ये क्वाड्रेटिक है, या कोई अपनी सेकंड देख लो क्या है, एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस वन प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स प्लस टू और एक्स माइनस टू, या ये वाली देखो, यहाँ तो क्यूब है, एक्स क्यूब माइनस 4,
इसमें स्क्वायर कुछ दिख रहा है, कौन सी वाली क्वाड्रेटिक है, ये है ये है, कैसे पता लगाएंगे? क्या आप जस्ट देख के पता लगा सकते हो? नहीं, आपको क्या करना होता है, इक्वेशंस को हमेशा सिंप्लीफाई करना होता है, क्योंकि हर इक्वेशन में जहाँ इक्वलिटी होता है उसकी एक लेफ्ट हैंड साइड होती है और उसकी एक राइट हैंड साइड होती है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दी हुई है तो उसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे करते हैं, लेट्स स्टार्ट एग्जाम्पल नंबर, इसका जो फर्स्ट दिया हुआ क्वेश्चन। तो फर्स्ट में हमको लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वन, दैट इज वट इज गिवन। देखो ये दिया हुआ है, पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई मीन्स इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होंगे, पावर स्क्वायर में दिए तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, या ए क्या है एक्स, तो एक्स स्क्वायर विल राइट एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर लिख सकते हैं, और प्लस वन तो था ही। अब ये क्या है, फोर प्लस वन फाइव, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव। तो लेफ्ट हैंड साइड और सिंप्लीफाइड, ये एक्सपेंड नहीं होगी। राइट हैंड साइड क्या हुई है ये, तो दैट मीन्स इस पूरी इक्वेशन की जगह जो लेफ्ट हैंड साइड है मॉडिफाइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में बोल सकता हूँ। सो लेट्स वट एवर वी से वी राइट, देयर फोर एक्स माइनस टू प्लस वन मीन्स द ओल्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ओल्ड राइट हैंड साइड थ्री, तो वी कैन से द न्यू वन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। और इसको अभी क्या है, लेफ्ट साइड में ले जाओ दोनों को, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट इज इक्वल टू जीरो। और ये क्या है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्योंकि एक्स की पावर टू है। सो वी विल राइट इट इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच इक्वेशन, जो फर्स्ट वन यहाँ दी हुई है। तो हम पहले इसको देख के, किसी को देख के ना एक बार में हम ये नहीं बोल सकते कि अच्छा लड़का है या बुरा लड़का है, अच्छी लड़की है या बुरा लड़की है। हाँ, जब तक आप उसके साथ कुछ टाइम तक नहीं रहते हो, जब तक उसको आप समझ नहीं जाते हो, तब तक आप उसकी अच्छाइयाँ और कमियों को नहीं जान सकते हो। एग्जैक्टली सेम वे में जब तक किसी इक्वेशन को एक्सपेंड या सिंप्लीफाई नहीं कर लेते हो, तब तक आप ये नहीं बोल सकते दिस इक्वेशन और द गिवन इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। अब चलो सेकेंड वाला केस लेते हैं। यहाँ देखो क्या लिखा है, एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस वन प्लस एट इज इक्वल टू एक्स प्लस टू और एक्स माइनस टू। तो मैं इसको भी सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, इसको भी कर सकता हूँ, दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, तो एक्स एक्स प्लस वन प्लस एट को क्या लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एट। और कुछ सिंप्लीफाइड होगा या एक्सपेंड होगा, नहीं। और राइट हैंड साइड को देखते हैं, ये क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस टू और एक्स माइनस टू। तो ए माइनस ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर। अब ये दोनों को क्या करो, ये न्यू लेफ्ट हैंड साइड न्यू राइट हैंड साइड या एक्सपेंडेड फॉर्म है, दोनों को एक दूसरे बराबर कर सकते हैं। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर कट गया, तो एक्स प्लस एट इधर बचा माइनस फोर इधर चला जाए, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो। इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नो, क्यों नहीं है, क्योंकि एक्स की जो पावर है सिंगल है, इट्स अ लीनियर इक्वेशन। सो वील राइट इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस वी हैव टू राइट, बिकॉज हमसे पूछा गया है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो वी हैव टू राइट। तो ऐसे लिख के विल गेट फुल मार्क्स, क्लियर है? आप इसको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को ना अलग अलग कैसे हमने किया है, पहले लेफ्ट हैंड साइड को किया फिर राइट हैंड साइड को, आप चाहो तो एक ही बारी में कर सकते हो। तो जैसे ये इक्वेशन ऊपर दी हुई है तो यू विल राइट कि ये इक्वेशन दी हुई है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड को भी साथ साथ एक्सपेंड करो, तो वी विल राइट एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स प्लस एट इज इक्वल टू का साइन है, और राइट हैंड साइड को भी ऐसे लिख सकते हैं। ये कट गया तो देखो एक्स एक साइड आ गया, एक साइड आ गया तो इनको काट दो, तो आंसर क्या हो गया, ये कट गया तो वी विल हैव व्हाट, एक्स प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो। तो सेम चीज़ को जो हमने ऊपर ऐसे लिखा है कि पहले, या पहले वाले एग्जांपल में हमने लेफ्ट को पहले सॉल्व किया फिर राइट में इतना लंबा किया, आप चाहो तो ऐसे भी लिखोगे। सो यू कैन राइट कि आपको यहाँ लिखना होगा कि ये ऐसे है, नाउ यहाँ पे आपको एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा जो मैंने नहीं लिखा है, तो व्हाट आई हैव टू राइट इट और यू हैव टू राइट इट कि आफ्टर एक्सपेंडिंग बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वी गेट दिस और दिस और दिस, दैट इज अल्टीमेटली दिस, एंड आफ्टर दैट ये टू सेंटेंसेस और लिखेंगे, x प्लस टू इज नॉट ऑफ द फॉर्म दिस, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपने सॉल्व कर दिया एंड यू विल गेट फुल मार्क्स, आप ऊपर की तरीके करो या नीचे की तरीके से करो। अब चलो थर्ड वन को देखते हैं, ये वाला जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x ब्रैकेट में 2x प्लस थ्री इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो लेफ्ट हैंड साइड को अलग कर लेते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करो तो क्या 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो ओल्ड वाला जो है 2x प्लस थ्री एक्स मीन्स मॉडिफाइड वन, तो हम
जो राइट हैंड साइड के बराबर लिख सकते हैं. सो वी कैन राइट दिस दिस वे, 2x² + 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू राइट हैंड एंड दिस इज राइट हैंड. इसको दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में लिया तो क्या हो जाएगा, ये दोनों इधर चले जाएंगे तो एक माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो इट विल बी x² + 3x - 1 इज इक्वल टू 0. और ये फॉर्म क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है. यस, इट इज ऑफ द फॉर्म दिस विच इज अ क्वाड्रेटिक फॉर्म, देयरफॉर द अबव इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हेंस प्रूफ. तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. फोर्थ वाले को देखते हैं, लेट्स सी क्या दिया हुआ है. लेफ्ट हैंड साइड x + 2 का क्यूब. अब x + 2 का क्यूब को आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए जो आपने 8th क्लास में पढ़े थे और 9th में पढ़े थे. क्या था फॉर्मूला, x + y का होल क्यूब है. तो क्या होता है, पहले नंबर का क्यूब प्लस 3x² + 3xy² + y³. याद है ना, हम x से पहले स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी लेफ्ट में उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 क्यूब रहेगी, फिर x की पावर 2 हो जाएगी, फिर x की पावर 1 हो जाएगी, फिर x की पावर 0 हो जाएगी. और y क्या होगा, सेकेंड टर्म की पावर, पहली 0 थी, y की पावर 0 मीन्स 1, फिर y की पावर 1 हो गई, देखो y की पावर 2 हो गई, y की पावर 3 हो गई, क्योंकि इसमें प्लस साइन है, एज अ रिजल्ट सब जगह क्या होगा, प्लस साइन होगा. अदरवाइज क्या होता, वाई का साइन क्योंकि हमें नेगेटिव है, तो देखो वाई की पावर 1 तो यह नेगेटिव होता, यहाँ पॉजिटिव होता और यहाँ नेगेटिव होता. तो दिस वॉज द फार्मूला. नाउ इफ यू रिमेंबर दिस फार्मूला और इफ यू नो दिस फार्मूला, देन इट इज ईजी फॉर यू टू एक्सपेंड. तो कर दो यार एक्सपेंड. तो वी विल राइट दिस वे, x³ + 6x² + 12x + 8. ये तो क्या हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड. राइट हैंड साइड क्या है, x³ - 4. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वी कैन राइट. सो वी कैन राइट इट कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. अब x³ और x³ इधर ले जाओगे तो क्या होगा, कट जाएगा. तुम आप डायरेक्ट भी काट सकते हो यहाँ पे, क्योंकि सेम साइज के हैं दोनों साइड, बराबर झूला के दोनों तरफ. ये कट गया, ये कट गया, मीन्स इक्वल टू साइन मीन्स झूला. और ये -4 जो है इधर आ जाएगा, ये -4 इधर आएगा, प्लस 8 + 4 = 12. तो वी कैन राइट इक्वेशन 6x² + 12x + 12 इज इक्वल टू 0. अब ये देखो 6 है, ये 12 है और ये 6 है, मीन्स मैं पूरी इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर दूँ, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड को भी 6 से डिवाइड कर दूँ, राइट हैंड साइड को भी 6 से, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो इसमें से 6 बाहर निकाल लो तो डिवाइड कर दो या तो वी कैन राइट x² + 2x + 2, क्योंकि 6 × 2 = 12 इज इक्वल टू 0. एंड ये फॉर्म क्या है, इट इज अगेन अ क्वाड्रेटिक फॉर्म, इट इज ऑफ द फॉर्म दिस. एंड व्हाट इज दिस इज फॉर्म, इट इज अ क्वाड्रेटिक फॉर्म. सो देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि ये है, जबकि पावर इसमें 3 दिख रही थी और हमको लग रहा था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट इज अ क्यूबिक फॉर्म, हेंस वी हैव प्रूव्ड इट. और यदि हम वन वर्ड में बोलें, क्या हमने सीखा या क्या हमको याद रखना चाहिए, कि वी हैव टू रिमेंबर, ऑफन वी नीड टू सिंप्लीफाई द गिवन इक्वेशन बिफोर डिसाइडिंग वेदर इट इज अ क्वाड्रेटिक और नॉट. किसी को जस्ट उसके फेस वैल्यू पर नहीं बोल सकते कि वो अच्छा है या बुरा है. एग्जैक्टली सेम वे में किसी इक्वेशंस को या डिफरेंट इक्वेशंस को देख के हम ये नहीं बोल सकते कि वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, अनलेस एंड अंटिल वी सिंप्लीफाइड इट. दैट इज व्हाट वी लर्न. नाउ द अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, ये हमने पढ़ाई था 9th में. बट सॉल्यूशन का मतलब एक्चुअली क्या होता है, पहले सॉल्यूशन का मतलब समझ लें. सपोज एक आपको इक्वेशन दी हुई है एंड दिस इज व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2x² - 3x + 1 इज इक्वल टू 0. ये है, सपोज मैं एग्जाम अज्यूम करता हूँ कि x = 1 पर इसको यदि मैं वैल्यू डाल दूँ यहाँ पर, तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या वो 0 हो जाएगी, सो दैट इट बिकम इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो लेट सी. सो लेफ्ट हैंड साइड में x = 1 डाला तो क्या हो गया, देखो 2 × 2 × 1² - 3 × 1 + 1. और इसको सॉल्व करो तो क्या हो गया, 2 - 3 + 1 एंड इट इज़ व्हाट, 0. सो द लेफ्ट हैंड साइड x = 1 पे क्या हो गया, 0. और मेरा राइट हैंड साइड क्या है, 0. दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एट x = 0. और ये हमने पढ़ाई था प्रीवियस चैप्टर्स में. क्या पढ़ा था कि वी से क्या बोलते हैं हम लोग, कि 1 इज़ अ रूट, x = 1 या 1 इज अ रूट ऑफ व्हाट, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. और यदि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती, x = 0 नहीं होता, तो ये क्या था, पॉलिनोमियल. तो हम क्या बोलते हैं, 1 इज जीरोज ऑफ व्हाट, ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल कैसा है, क्वाड्रेटिक. तो यदि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता तो हम बोलते हैं 1 इज जीरोज की उस वैल्यू पर, x की वो वैल्यू पर जिस पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या कोई भी पॉलिनोमियल उसकी वैल्यू 0 हो जाए,
दैट इज कॉल्ड जीरोस। और क्वाड्रेटिक पॉलीनोम में क्या हमारा, ये 2x² - 3x + 1, ये हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा ही था, राइट। बट इस चैप्टर में हम ये चीज नहीं पढ़ रहे हैं, बिकॉज अब हम क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, वो पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जो इक्वल टू जीरो हो, दैट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट मीन्स x इज इक्वल टू जीरो वन पर, यदि इस इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू जीरो हो जाए, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए, वी से इट इज अ रूट, इट इज नॉट जीरोस। और इन जनरल हम क्या बोलते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बोलते हैं रूट इज अ रियल नंबर। और नॉर्मली क्या होता है, हम अल्फा बीटा से शो करते हैं। तो अब इफ वी से इन जनरल अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड इफ अल्फा इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जेनरिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, जैसे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अल्फा उसकी रूट है, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू अल्फा पे इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो आई कैन पुट अल्फा, तो आई विल राइट दिस वे कि ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो अल्फा इज व्हाट, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वी ऑल्सो से दैट, हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू अल्फा इज अ सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम रूट बोले या बोले कि x इज इक्वल टू अल्फा इज अ सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि उसी की वैल्यू डालने पर हमको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जा रही है। या हम इन जनरल बोलते हैं कि अल्फा सेटिस्फाइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि अल्फा जो है एक ऐसी वैल्यू है x की जो इस इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई कर दे, मीन्स यहाँ मैं डालूंगा तो ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड जीरो है तो ये सेटिस्फाइड होगी। तो यू कैन से आइदर इट इज अ रूट और x इज इक्वल टू अल्फा इज द सोल्यूशन और अल्फा सेटिस्फाइड द अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ तक क्लियर, ओके। पर एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि ये जो रूट है या ये सोल्यूशन जिसको बोल रहा हूँ वो कैसे निकालते हैं। वो निकालने का एक तरीका है, वन ऑफ द मेथड इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन, और ये हमने नाइन्थ में पढ़ा था। तो लेट्स रिवाइज कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, ठीक है। और भी यदि कुछ होते हैं सॉल्यूशंस तो उनके बारे में पढ़ेंगे, कैसे निकालते हैं रूट्स या सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो पहले हम फैक्टराइजेशन पढ़ लेते हैं। तो दिस इज एग्जांपल 3, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² - 5x + 3 = 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये हमने नाइन्थ में पढ़ा था। किस चीज़ के फैक्टराइजेशन करते हैं, मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं दो पार्ट में, और उसमें दो कंडीशन होती है। पहले तो क्या है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, नॉट नेसेसरी इक्वल पार्ट। सो लेट्स राइट डाउन, तो वी विल राइट द सॉल्यूशन दिस वे। लेट्स फर्स्ट स्प्लिट द मिडल टर्म, मिडल टर्म इज -5x। तो -5x को क्या लिख सकता हूँ, -2x - 3x, क्योंकि इन दोनों का सम कितना आता है, -5x। पहली कंडीशन तो ये थी कि सम जो है ऐसे डिवाइड करो दो पार्ट में कि उसका सम मिडल टर्म के बराबर हो। और एक और कंडीशन थी, वो क्या कंडीशन थी, जो आपने डिवीज़न किए दो पार्ट में जिसमें आप डिवाइड किया, उनको यदि एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दूँ तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा क्या आया, देखो इस केस में -2x में और -3x में डिवाइड किया था हमने दो पार्ट में, इनका प्रोडक्ट देखो -(+), 3 × 2 = 6 और x into x, 6x². तो ये जिस दो हमने मिडल टर्म को दो डिफरेंट पार्ट्स में स्प्लिट किया, उनका सम तो इसके बराबर है, पर उनका प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, वो जो इक्वेशन दी हुई है हमको, ये जो इक्वेशन दिया है उसकी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन, मीन्स 2x² * 3 मीन्स 6x², ये भी होना चाहिए। क्या है, यस इट इज़ देयर। दैट मीन्स जो ये मेरी इक्वेशन दी हुई है 2x² - 5x + 3, आई कैन राइट इन दिस वे कि 2x² - 5 की जगह क्या लिख सकता हूँ, -2x - 3x। क्यों लिख सकता हूँ, सम जो है इसके बराबर है और प्रोडक्ट जो है लास्ट और फर्स्ट टर्म के बराबर है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। दिस इज द बेसिस, और बेसिस ऑफ व्हाट, फैक्टराइजेशन। अब ये मैं कर दिया, तो अब इसमें कॉमन चीज़ फर्स्ट टू की बात करूँ तो इसमें देखो 2x मैं बाहर निकाल सकता हूँ, सिमिलरली इसमें से मैं कुछ क्या बाहर निकाल सकता हूँ, 3 बाहर निकाल सकता हूँ कॉमन। तो यहाँ पे पहले वाले में करते हैं, तो पहले वाले में से 2x निकाल लिया तो क्या बचा अंदर, x, यहाँ से देखो x माइनस साइन है और 1 ये बचा। सेम वे मैं यहाँ देखूँ 3 में -3 बाहर निकाल लिया इसमें, तो अंदर क्या बचा x, और क्योंकि -3 बाहर निकाल तो अंदर क्या बचेगा, -1 ये बचा। अब देखो ये x-1 इधर भी है, x-1 भी इधर भी है,
और इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो हम पहली वाली टर्म से जो उनमें से कॉमन चीज़ बाहर निकालते हैं तो क्या बचा था, एक्स माइनस वन, तो आपको इस सेकेंड जो पेयर बचा उसमें से भी ऐसे ही निकालना है चीज़ बाहर कि जो सेकेंड टर्म बचे वो एक्स माइनस वन ही हो, तो वो आपको ध्यान रखना है। यदि मैंने इसमें से प्लस थ्री निकाला होता तो ये एक्स माइनस एक्स प्लस वन होता, तो आपको क्या करना है, पहले वाले के बराबर लाना है। अब देखो इन दोनों में से x माइनस वन बाहर निकालो तो ये क्या बचता है, टू एक्स माइनस थ्री, टू एक्स माइनस थ्री, बाकी क्या बचा, x माइनस वन। तो ये जो इक्वेशन, ये जो पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, हमने उसको इस तरीके से लिख दिया। यदि मैं इस तरीके से लिख दिया तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट कि जो मेरे को गिवन इक्वेशन थी, जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, कैन बी रिटन एज दिस वे। एंड ये क्या है, उसके दो फैक्टर्स, और ये दो फैक्टर्स इस फॉर्म में लिख दिए इज इक्वल टू जीरो। तो मीन्स मुझे वो एक्स की वैल्यू पता लगानी है जिस पे लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाए किसके, जीरो के। अब मेरे को इस इक्वेशन को, क्योंकि पहले तो ये इस फॉर्म में दी थी, मैंने इसको फैक्टराइज करके दो फैक्टर में लिख दिया। अब मेरी ये इक्वेशन जीरो कब होगी, या तो मेरा पहला वाला फैक्टर टू एक्स माइनस थ्री ये वाला पार्ट जीरो हो जाए, या मेरा पार्ट ये जीरो हो जाए। तो आई कैन से ये जीरो होगा, जीरो मल्टीप्लाई बाय दिस करूँगा, इसकी कुछ भी वैल्यू होगी तो आंसर जीरो आएगा। एग्जैक्टली सेम वे में यदि एक्स माइनस वन में वो एक्स की वैल्यू डालूँ कि ये वाला पार्ट फैक्टर जो है मेरा जीरो हो जाए, तो पहला वाला कुछ भी हो वैल्यू तो आंसर इज जीरो, बिकॉज जीरो मल्टीप्लाई बाई एनी नंबर इज जीरो। तो उसी चीज़ को हम अब नीचे ऐसे लिख देते हैं, तो वी कैन राइट कि ये जो चीज़ है, जो इक्वेशन है जो हमने दी थी, इट इज़ सेम एज दिस। एंड इफ इट इज़ सेम फैक्टर फॉर्म में, तो टू एक्स माइनस थ्री या तो ये जीरो हो और एक्स माइनस वन ये जीरो हो, कोई भी चीज़ जीरो हो जाए तो मेरा जो ये इक्वेशन है वो जीरो हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी। तो इन दोनों इक्वेशन से क्या निकला है, टू एक्स माइनस थ्री पहला फैक्टर जीरो, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, x इज इक्वल टू थ्री बाई टू। सेम वे में x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन। इससे मेरे को मिल गया, तो दैट मीन्स मेरे को दो वैल्यू मिल गई x की, x की वैल्यू मिली, x की वैल्यू मिली, पहली मिली थ्री बाई टू, दूसरी मिली वन। सो आई कैन से x इज इक्वल टू थ्री बाई टू एंड x इज इक्वल टू वन आर द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, बिकॉज ये वो x की वैल्यू है। यदि मैं इस गिवन इक्वेशन में रखूँगा तो उसकी वो क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड जीरो हो जाएगी। देखो यहाँ पे यदि मैं x इज इक्वल टू क्या रखा, वन, x इज इक्वल टू वन रखा इस वेक्टर में, तो वन माइनस वन जीरो, ये कुछ भी हो तो जो ही जीरो हो जाएगी। सेम वे में थ्री बाई टू को मैं यहाँ रखूँगा तो मैं क्या करूँगा, वेरीफिकेशन कर रहा हूँ, यहाँ रखूँगा x की वैल्यू थ्री बाई टू, तो थ्री बाई टू 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 कट जाएगा, थ्री माइनस थ्री हो गया ये जीरो, ये जीरो, ये कुछ भी हो तो जीरो। दैट इज़ वाई दीज आर सोल्यूशंस, राइट। तो इन अदर वर्ड्स 3 बाई टू एंड 1 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। तो ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके x इज इक्वल टू दिस और x इज इक्वल टू 1 आर द सोल्यूशन, और ये खाली बोलो 3 बाई टू और 1 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये वो x की वैल्यू है जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जीरो हो जाएगी, इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर दिया इसको, रूट्स निकाल लें। ओके, एक बार और रिमाइंड कर लेते हैं, और हमने वेरीफाई भी कर लिया, राइट। सो यू कैन वेरीफाई दैट दीज रूट्स आर ऑफ द गिवन इक्वेशन। कैसे करें, इसमें पुट कर दोगे तो आंसर निकल, हमने अभी फैक्टर में पुट करके देखा था, आप इसमें इक्वेशन में पुट करके देखो, एक ही मतलब है। क्यों, क्योंकि ये जो फैक्टर है वो यही तो इक्वेशन है, राइट। वेरी गुड, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, इससे थोड़ा सा और क्लियर होगा। एग्जाम्पल फोर, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। मिड टर्म क्या है, माइनस एक्स, इसके हमको फैक्टर्स निकालने, कैसे निकालेंगे, बाय स्प्लिटिंग। सो वी विल राइट व्हाट वी हैव इज सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। अब हम इज इक्वल टू जीरो लिख रहे हैं क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को पहले फैक्टराइज कर रहे हैं, ठीक है, खाली लेफ्ट हैंड साइड। तो माइनस एक्स को क्या लिख सकता हूँ, सिक्स टू जा देखो क्या होगा, ट्वेल्व, माइनस ट्वेल्व होगा, सिक्स टू जा माइनस ट्वेल्व। तो मीन्स मेरे को तो आंसर, और यहाँ माइनस एक्स है तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, ध्यान से देखो, सिक्स टू जो ट्वेल्व, तो ट्वेल्व प्रोडक्ट में चाहिए और सम में क्या चाहिए, माइनस, तो मैं सिक्स इंटू कुछ कर सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, देखो आई कैन राइट थ्री एक्स माइनस फोर एक्स, मतलब थ्री फोर जो ट्वेल्व, ये तो हो गया, और फोर माइनस फोर प्लस थ्री क्या होगा, माइनस एक्स, तो ये एग्जैक्टली सेम हो गया। तो वी कैन राइट दिस वे, जब आपने एक्स ए कर लिया तो क्या है, कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं, स्पेयर को लो, स्पेयर को लो, तो पहले वाले को निकालोगे तो क्या आएगा, देखो 3x यहाँ से निकलेगा 2x प्लस वन, और 2x प्लस वन है तो हमको यहाँ 2x प्लस वन ही चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस वाला निकाल लेंगे, माइनस टू कॉमन लिया तो 2x प्लस वन। अब ये कॉमन है,
ये कॉमन को राइट हैंड साइड में ले तो अंदर क्या बचा, 3x-2, तो वी कैन राइट 3x-2 मल्टीप्लाई बाय 2x+1। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को जो ये पॉलिनोमियल दिया था उस पॉलिनोमियल को हमने इस फॉर्म में लिख लिया, फैक्टर फॉर्म में। अब ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है इज इक्वल टू जीरो, क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो वी कैन राइट कि द रूट ऑफ दिस इक्वेशन आर द वैल्यूज फॉर विच दिस पर्टिकुलर थिंग, या ये जो फैक्टर फॉर्म में लिखा है पॉलिनोमियल इज इक्वल टू जीरो हो जाए। और ये कब जीरो होगा, या तो ये पहला वाला पेयर जीरो हो जाए या सेकेंड पेयर जीरो हो जाए। सो वी कैन से कि 3x-2 इज इक्वल टू जीरो और 2x+1 इज इक्वल टू जीरो। इनसे हमको x की दो वैल्यू निकलेगी, इधर से x की वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी 2/3, और इस वैल्यू से x की वैल्यू मिलेगी -1/2। तो हमें x की दो वैल्यू मिलनी चाहिए, और ये जो दो वैल्यू हैं इनको क्या बोलेंगे, दीज आर द सॉल्यूशंस और रूट ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। जब मैं रूट बोलूँगा तो क्या बोलूँगा, 3/2 एंड -1/2 आर द रूट्स, और मैं जब सॉल्यूशन बोलूँगा तो मैं बोलूँगा x इज इक्वल टू 2/3 एंड x इज इक्वल टू -1/2 आर द सॉल्यूशन ऑफ द अबाव इक्वेशन। ठीक है, यदि मेरे को वेरीफाई करना है यू पुट दीज वैल्यूज इन द गिवन इक्वेशन, या फैक्टर में फैक्टर से निकाल लो, वैसे आप डाल के भी देख लो कि कभी कभी गलती हो जाती है, तो बेटर है पहली इक्वेशन जो दी हुई है उसी में डाल के देख लो। एंड इफ इट इज लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स जीरो इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट मीन्स जो हमने सॉल्व किया है ऊपर वो हमने करेक्टली सॉल्व किया। ठीक है, ओके इसी चीज़ को जो इस तरीके से सॉल्व किया हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो ज़्यादा आसान तरीका होता है। राइट, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आप ये राइट हैंड वाले को ही मेथड को यूज़ करोगे। तो क्या हुआ है, इसमें क्या गिवन है, वही चीज़ गिवन क्या है, ये 6x-x-2 इज इक्वल टू जीरो। तो अब इसमें देखो हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही लिखा, यहाँ पे हमने लेफ्ट में किया था, खाली हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखा था, खाली लेफ्ट हैंड साइड को लिखा था, और फिर हम लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया, फिर उस सिंप्लीफाई को लिखा इज इक्वल टू जीरो। तो हमने फिर जाके सॉल्व किया, हम यहीं पर कर लें, यदि आप यहीं पर इसको हम लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं, फैक्टराइज करके लेट्स डू द फैक्टराइजेशन। सो वी विल राइट बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड वी गेट 6x² + 3x-4x-2 इज इक्वल टू जीरो। और क्या बोल सकते हैं, इसको लिखा जाता है दिस में, कॉमन चीज़ बाहर निकाल लो 2x+1, एग्जैक्टली देखो जो लेफ्ट में यहाँ किया हुआ वही चीज़ कर रहे हैं, बट इसमें क्या कर रहे हैं, हमने ये तो इतना सब कुछ लिखा है कि ये ऐसे इसके बराबर होगा तभी होगा, तो हमने वो अवॉइड कर दिया क्योंकि हम स्टार्ट ही इसके, हम लेफ्ट हैंड साइड का फैक्टराइजेशन किया, राइट साइड जीरो था। अब ये जीरो कब होगा, लेफ्ट हैंड साइड जब ये जीरो और ये दो, तो वी कैन से देयरफॉर आइदर दिस इज इक्वल टू जीरो और दिस इज इक्वल टू जीरो, और वी कैन से एक्स इज इक्वल टू 3/2/3 और -1/2। हैंस दिस मीन्स 2/3 एंड -1/2 आर द रूट्स ऑफ द अबाव क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो दिस इज द अनदर वे ऑफ सॉल्विंग द सेम इक्वेशन, सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन अ डिफरेंट वे। और आपको ये राइट हैंड वाले मेथड ज़्यादा याद रखना है। अब याद रखना है तो एक और मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, एंड दिस इज एग्जांपल 5। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x²-2√6x+2 इज इक्वल टू जीरो बाय फैक्टराइजेशन मेथड, एंड वी विल यूज द फर्स्ट वे ओनली, मींस लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करेंगे, फिर उसको राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर देंगे। सो पहले हम लिखते हैं कि गिवन क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3x²-2√6x+2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मिडिल टर्म को हमको स्प्लिट करना है सच अ वे कि सम जो है -2√6 हो, और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 3 × 2 = 6 6x² होना चाहिए। तो बार बार एक्स स्क्वायर की जरूरत नहीं है क्योंकि x है ही, तो बस 3 × 2 = 6 होना चाहिए। अब रूट 2√6 दिया हुआ है, तो आपको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको यह आ जाएगा, जहाँ पर भी रूट दिया हो ना वो रूट रूट को मल्टीप्लाई करोगे इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। दैट मीन्स व्हाट आई एम सेइंग इज कि देखो 3x² का वैसे ही लग गया, बीच वाले पार्ट को हमने √6x-√6x+2 लिखा, देखो सम तो -2√6 आ गया, सेम है प्रोडक्ट, देखो रूट और रूट क्या होता है 6√6 × √6 6 आ गया 3 × 2 = 6। दैट मीन्स स्प्लिटिंग इज करेक्ट। अब स्प्लिटिंग करेक्ट है, उसके बाद क्या करते हैं, हम कॉमन फैक्टर बाहर निकालते हैं, क्योंकि ये रूट दिया हुआ है बीच में, तो हमको क्या करना होगा, जो फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट टर्म है उसको भी रूट फॉर्म में लिखना होगा। तो हम कैसे लिखेंगे, 3 को यदि रूट फॉर्म में लिखना है तो वी कैन राइट √3x² इस पूरी टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, यदि मैं स्क्वायर करूँगा तो x का स्क्वायर हो जाएगा, √3 × √3 क्या हो जाएगा 3, दैट इज़ करेक्ट। बीच वाले को भी हम ना दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि जब यहाँ √3 है तो हमको कॉमन चीज़ चाहिए, तो 6 को क्या लिखता हूँ 3 × 2, तो आई कैन राइट √3 × √2x, सेम सेकेंड ऐसे ही आ जाएगा। जो लास्ट टर्म है उसको भी रूट में फॉर्म में क्या लिखते हैं, √2 × √2, तो √2 × √2 क्या हुआ 2,
दैट मीन्स हमने अबाव इक्वेशन को सबको रूट में कर लिया, तो जहाँ पे भी जब भी मिडिल टर्म रूट फॉर्म में हो ना तो हमको ऐसे कर लेना है, तो ईजी रहता है, मीन्स कॉमन फैक्टर निकालना ईजी हो जाएगा। अब देखो यहाँ रूट थ्री एक्स है, यहाँ रूट थ्री और एक्स ये कॉमन है, तो बाहर निकाल लो, बचेगा क्या रूट थ्री एक्स और माइनस रूट टू, तो राइट इट डाउन, रूट थ्री एक्स बाहर आ गया तो अंदर बचा रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू। जो पहला वाला जो कॉमन चीज़ है वही दूसरे में आनी चाहिए, तो हमको इसमें से क्या कॉमन निकालना पड़ेगा रूट टू, कौन सा माइनस रूट टू, माइनस निकाल लिया, जब माइनस निकाल लिया तो प्लस है यहाँ साइन तो माइनस हो गया, दैट मीन्स ये चीज़ एग्जैक्टली सेम आएगी। अब ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में और ये राइट हैंड साइड में, इसमें से ये कॉमन है तो मैं कॉमन बाहर निकालना, इसलिए ध्यान रखना है कि ये सेकेंड टर्म बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आनी है। अब इसको बाहर निकालूंगा राइट में तो बचेगा के अंदर रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू, तो राइट इट डाउन रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू, और ये पहले से ऐसे था रूट थ्री एक्स माइनस रूट, दोनों एग्जैक्टली सेम है राइट। सो हमने क्या किया कि जो इक्वेशन दी हुई थी हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसका जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हमने फैक्टराइज कर लिया, तो हम क्या लिखते हैं अब, सो द रूट ऑफ द इक्वेशन आर द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच, ये जो चीज़ है मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो जाए जीरो हो जाए। ये जीरो कब होगा कि मीन्स मेरा ये वाला फैक्टर ये तो अलग सेपरेटली जीरो हो या ये वाला पार्ट जीरो हो, तो इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, आई कैन राइट कि ये वाला पार्ट जीरो हो इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू रूट टू बाई थ्री, और क्योंकि ये दोनों सेम हैं मैं ये अलग अलग भी सॉल्व करूँगा तो मुझे आंसर यही मिलना है। और रूट टू बाई रूट थ्री को मैं क्या लिखता हूँ, एक कॉमन रूट बना दूँ और उसके अंदर लिख सकता हूँ टू बाई थ्री, तो एक्स इज इक्वल टू टू बाई थ्री, सो वी कम टू नो आइदर फ्रॉम द फर्स्ट और सेकेंड, आप सॉल्व करना चाहें तो सेकेंड को भी कर लें, सो वी कैन से दिस रूट इज रिपीटेड ट्वाइस, क्योंकि एग्जैक्टली सेम है, वन ऑफ ईच रिपीटेड फैक्टर इज एक्स इज इक्वल टू टू बाई थ्री, दैट मीन्स हमारी दो रूट निकली क्योंकि ये दो अलग अलग दो फैक्टर हैं, चांस की बात है दोनों सेम है, सो वी हैव सेम रूट मीन्स सिंगल रूट बट इट इज रिपीटेड ट्वाइस राइट। तो वील राइट देयर फॉर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन आर दिस एंड दिस, तो हम ये नहीं बोलेंगे खाली यही रूट है एक, हम बोलेंगे हमारी हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितनी रूट होंगी दो, क्योंकि आप उसके जब फैक्टर निकालते हैं दो आते हैं ठीक है, वो फैक्टर दोनों अलग अलग हो सकते हैं या सिमिलर हो सकते हैं, यदि सेम है तो बोलेंगे वी हैव सिमिलर रूट्स एंड वो वैल्यू क्या है वो ये है। तो दिस वे हम फैक्टराइजेशन जो मेथड हमने नाइन्थ में पढ़ा था उसका हमने रिविजन कर लिया, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, इफ़ एवरी थिंग इज़ क्लियर तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल और देता हूँ, द एग्जाम्पल इज सिक्स, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्रेयर हॉल एज शोन इन द बिलो डायग्राम, कौन सा डायग्राम दिया हुआ है यही, और ये कौन सा है जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया था इस चैप्टर में, जहाँ पे एक कम्युनिटी को एक प्रेयर हॉल बनाना था राइट, उसका एरिया इतना था और उन्हें क्या दिया था कि जो लेंथ है बैट्स की डबल प्लस वन है, दैट इज़ वट वॉज गिवन। तो उसी क्वेश्चन को अब हमको पूछ रहा है कि भाई x की आंसर बता दो मीन्स सोल्यूशन बता दो, हमने इक्वेशन तो बनाना सीख ही ली थी, तो लेट्स मेक द इक्वेशन वंस अगेन, तो वी राइट दिस वे कि गिवन द ब्रेथ ऑफ द हॉल इज से x मीटर, देन x सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस, वाई क्योंकि हमने क्या निकाला था दिस इंटू दिस इज इक्वल टू एरिया, इसलिए हम यहाँ पे ऐसे लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, अदरवाइज यू विल राइट बिकॉज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ देयर फोर यू विल गेट दिस, तो अल्टीमेटली ये इक्वेशन आपको मिल गई, इसलिए हम यहाँ शॉर्टकट मार दिया क्लियर ओके। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है, दैट मीन्स हमको इसकी रूट्स निकालनी है, वैल्यू मतलब रूट सोल्यूशन निकालना, तो हम क्या करेंगे बीच वाले के फैक्टर्स करेंगे x के इतने पार्ट में डिवाइड करेंगे सो दैट उनका जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट कितना हो 300 इंटू टू माइनस 600 मीन्स माइनस 600 आ जाए यहाँ वैल्यू प्रोडक्ट में, और सम कितना हो जाए 1, तो कैसे डिवाइड कर सकते हैं दिस कैन बी डिवाइडेड इंटू दिस फॉर्म, ये तो फिर वही चीज़ लिख रहे हैं, ये क्यों वो हमने लिख दिया यहाँ पे दोबारा, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो टीचर को तो नहीं मालूम है ना या एग्जामिनर को तो नहीं मालूम है कि हमने पहले क्या पढ़ा था, तो वी हैव टू राइट, तो वी विल राइट एरिया ऑफ द ट्राइंगल इतना इज इक्वल टू इतना इज इक्वल टू इतना बाय अप्लाइंग द फैक्टराइजेशन मैथड, किस में इस अबाव इक्वेशन में, वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज दिस वे राइट। तो हमने इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन लगाया, तो हमने क्या देखो 24 into 25, तो 24 इंटू 25 करेंगे क्योंकि आपको याद है ये कितना हमें चाहिए 600, 25 इंटू 25 कितना होता है 625, इसलिए आपको स्क्वायर याद होने बहुत जरूरी है, तो एक 25 कम कर दोगे या 25 कम कर दोगे 600 हो गया, तो बस वहीं से उसने लिख लिया कि माइनस 24x प्लस 25x इन दोनों का सम कितना आया x मिडल टर्म के बराबर, प्रोडक्ट क्या है 24 इंटू 25 क्या इतना होता है 600,
यदि आपको स्क्वायर याद होगा तब तो आप ना 600 फट से याद कर लोगे यार नियर बाय क्या चीज़ नंबर आती है, तो आपको याद हो गया। अदरवाइज आपके लिए ये निकालना 25x या -24x से लिखना बहुत डिफिकल्ट। ये कब आएगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे। इसलिए मैथ्स में है, किसी भी सब्जेक्ट में, यहाँ तक कि आपके गेम्स में भी, जितनी प्रैक्टिस करोगे, यदि आपको तेंदुलकर बनना है तो रोज प्रैक्टिस करनी होगी दिन रात, तभी बन पाओगे, हाँ तभी जान पाओगे। मैं तो आपको सिर्फ एक लॉजिक बता रहा हूँ। लॉजिक ये है कि इसको ऐसे डिवाइड करना है कि सम जो हो एक्स हो और प्रोडक्ट जो हो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बराबर हो, फैक्टराइज हो गया। अब इसमें से कॉमन चीज़ निकालो, तो कॉमन क्या निकल, 2x निकल जाएगा, तो वी कैन राइट 2x निकल गया, अंदर क्या बचा x माइनस 12, और इधर से भी क्या हमको x माइनस 12 ही चाहिए, तो उसके लिए क्या निकालेंगे 25 तो निकालना ही पड़ेगा, 25 निकाला तो 300 निकलोगा, कितना बचेगा 12, ये 12 ही बचेगा। अब देखो x माइनस 12 निकल सकता है बाहर, अंदर क्या बचेगा 2x प्लस 25, तो वी कैन राइट 2x प्लस 25 और x माइनस 12 बाहर निकाल लिया। अब इसको लेफ्ट में लिखो या राइट में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्शन मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी या b इंटू ए इज सेम राइट, तो आप ऐसे हो गए। अब ये इज इक्वल टू जीरो होगा, कब जीरो होगा, या तो ये वाला फैक्टर जीरो हो जाए या ये फैक्टर हो जाए, इसका मीन्स x माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो और x इज इक्वल टू माइनस 12.5, कैसे आया ये वाला फैक्टर जीरो, इसको मैं ले गया 25 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ 12.5, तो x की क्या हो गई मेरी रूट्स, इस इक्वेशन की रूट क्या गई, x की वैल्यू आ गई 12 या x की वैल्यू आ गई माइनस 12.5। सो दीज आर द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब x की वैल्यू कितनी आई है माइनस 12, और x क्या माना था हमने उस मंदिर का, उस हॉल का, प्रेयर हॉल का विड्थ, विड्थ माइनस में तो हो ही नहीं सकती, दैट मीन्स ये वैल्यू तो हो ही नहीं सकती, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है 12, दैट मीन्स यदि मीटर्स में है, क्योंकि मीटर स्क्वायर में, तो x विड्थ कितनी होगी उसकी या ब्रेथ कितनी होगी 12, तो 12 मीटर इज विड्थ, यदि ये 12 मीटर है तो लेंथ कितनी होगी ट्वाइस ऑफ दिस 12 टू द 24 प्लस 125, ये 25 मीटर होगी। तो राइट इट डाउन, सिंस x इज द ब्रेथ ऑफ द हॉल इट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो जो मैं आपको बता रहा था वो आपको लिखना होगा, क्योंकि आप मेरे को नहीं बता रहे, मैं तो अभी आपको सिखा रहा हूँ, आप टीचर को बता रहे हो, एग्जामिनर को, सो यू विल राइट सिंस एक्स इज द ब्रेथ ऑफ द हॉल इट कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर दस द ब्रेथ ऑफ द हॉल इज 12 मीटर एंड इट्स लेंथ इज इक्वल टू 2x प्लस 1 दैट इज 25 मीटर, दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू, सो दैट यू हैव टू राइट। सो दिस वे यू हैव सॉल्व दिस इक्वेशन बाय मैथड ऑफ फैक्टराइजेशन। नाउ वट इज द अदर वे ऑफ सॉल्विंग द इक्वेशन एंड सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड दिस मैथड इज कॉल्ड बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सो कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए पहले ना हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली कि ये कैस क्या चीज़ होती है। सो द एग्जाम्पल इज लाइक दिस, द प्रोडक्ट ऑफ सुनीताज एज इन ईयर्स 2 years अगो एंड हर एज 4 years फ्रॉम नाउ इज वन मोर देन ट्वाइस हर प्रेजेंट एज। सो द क्वेश्चन इज वट इज हर प्रेजेंट एज, आज उनकी एज क्या है। तो हमको एक सिचुएशन दी हुई है, रियल लाइफ सिचुएशन है, उससे हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। सो लेट्स ट्राई टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो विल राइट द सोल्यूशन इन दिस वे कि जो पूछा है उसी को अज्यूम करो। सो लेट्स अज्यूम कि हर प्रेजेंट एज इन ईयर्स बी एक्स, और पहली सिचुएशन क्या दी है कि 2 years अगो और 4 years नाउ ऑफ द प्रेजेंट एज का जो प्रोडक्ट है वो है ट्वाइस हर प्रेजेंट एज प्लस 1, तो राइट इट डाउन, देन द प्रोडक्ट ऑफ हर एज 2 years अगो एंड 4 years फ्रॉम नाउ शैल बी कितना होगा एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 4। एक्स प्रेजेंट एज है, 2 साल पहले क्या होगी माइनस 2 और 4 साल बाद क्या होगी प्लस एक्स, इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट की बात कर रहा है, और ये उसने दिया ही हुआ है इट इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ प्रेजेंट एज प्लस 1, वन मोर देन ट्वाइस हर प्रेजेंट एज, दैट इज वट इज गिवन। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। इसको हमारा देखो 2x तो कट गया, 1 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो गया इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो हमारी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। सो सुनीताज प्रेजेंट एज सेटिस्फाइड द अबाव क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मीन्स यदि हमको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन मिल जाए जो इसको सॉल्व कर रहे हैं, दैट मीन्स हमको इसकी एक एक्स एज मालूम चल जाएगी, तो इसको यदि हम सॉल्व करना है तो ये इज इक्वल टू 0, तो हम 9 को इस साइड ले जाऊँ तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और मैं दोनों तरफ क्या करूँ स्क्वायर रूट ले लूँ, आई कैन टेक स्क्वायर रूट, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या होता है लेफ्ट साइड राइट साइड में यदि मैं स्क्वायर करूँ मल्टीप्लाई करूँ डिवाइड करूँ दोनों कर सकता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैंने अभी इसका स्क्वायर रूट लिया, इसका स्क्वायर रूट लिया, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा लेफ्ट में तो एक्स हो जाएगा
और राइट में क्या होगा, प्लस माइनस थ्री, यही होगा, ऐसे आ जाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये थ्री का स्क्वायर है, पर हमने आंसर लिखा है एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस थ्री। क्यों हुआ ऐसे? ऐसे इसलिए हुआ कि मैं यदि ऐसे देखूँ, उल्टा चलते हैं कि एक्स मान लो इधर का स्क्वायर करता, एक्स इज इक्वल टू सपोज प्लस थ्री होता, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता, नाइन, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन, तो ये जो पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन सेम है। और यदि ये माइनस थ्री होता तब भी मैं एक्स स्क्वायर करूँगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता, नाइन। सो दोनों केस के अंदर मुझे ये क्लियर नहीं है कि ये जो जब मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूँ तो अंदर माइनस थ्री हो तो भी माइनस आएगा, और यदि प्लस थ्री हो तो भी प्लस आएगा, प्लस थ्री आएगा। दैट मीन्स मैं किसी को नलीफाई नहीं कर सकता स्क्वायर रूट में। तो मेरे को अजम्पशन क्या लेना होगा, आई हैव टू अज्यूम कि एक्स या तो प्लस माइनस थ्री में से कुछ भी हो सकता है, या तो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, राइट। तो ये इस इक्वेशन के दो रूट्स आ गए कि एक्स की वैल्यू या तो प्लस थ्री है या माइनस थ्री है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, ईयर्स इन एज। सो वट वी कैन से, सुनीता प्रेजेंट एज इज थ्री ईयर्स, थ्री ईयर्स होगी, माइनस थ्री हो ही सकती, बिकॉज माइनस में तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। एक्स मालूम चल गई, एंड दैट इज वट वी वर सपोज टू फाइंड आउट कि उसकी प्रेजेंट एज क्या है, तो प्रेजेंट एज कितनी है, थ्री ईयर्स है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखो, नाउ कंसिडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमको एक दी हुई है एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसको यदि मेरे को सॉल्व करना है तो दो तरीके हैं, या तो मैं इसको पहले सिंप्लीफाई करूँ तब सॉल्व करूँ, या मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन राइट द सेम इक्वेशन इन दिस वे कि एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन, मीन्स मैं नाइन को राइट साइड में ले गया, और नाइन को क्या लिख सकता हूँ, मैं दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले सकता हूँ, तो मैं स्क्वायर रूट ले लूँ। मैं यदि स्क्वायर रूट ले लूँगा तो आई विल राइट एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ नाइन। तो मैं क्या करूँगा, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर है तो बाहर तो क्या हो गया, तो एक्स प्लस टू आ गया, और यहाँ राइट में क्या होगा, प्लस माइनस थ्री। दैट मीन्स एक्स प्लस टू इज इक्वल टू आइदर थ्री और x प्लस टू इज इक्वल टू माइनस थ्री। इससे मुझे फ़ायदा क्या हुआ कि एक लेफ्ट वाले से क्या मेरे को चलेगा, यदि मैं टू यहाँ ले जाऊँगा तो x इज इक्वल टू वन, और इधर से मैं टू ले जाऊँगा तो x इज इक्वल टू माइनस फाइव। तो मुझे दो x की वैल्यू मालूम चाहिए। दैट मीन्स इस इक्वेशन को मैंने सिंप्लीफाई नहीं करके हमने डायरेक्टली राइट साइड में ले गया, तो मैंने इजीली इसका सोल्यूशन निकाल लिया। यदि मैं इसको सॉल्व कर लेता, एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक्स प्लस टू है ना, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर ऐसे करके करता, तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता निकालना, ठीक। तो जब सिचुएशन ऐसी दी हो, एक स्क्वायर दिया और आपको मालूम है कि नाइन का स्क्वायर क्या होता है, मीन्स नाइन किसका, मतलब नाइन का स्क्वायर रूट क्या होता है, मीन्स थ्री का स्क्वायर है नाइन, तो मैं कह रहा हूँ थ्री स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पर इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या, जैसे हमने यहाँ लेफ्ट में प्लस माइनस थ्री लिखा, तो आपको हमेशा वो याद रखना, प्लस माइनस दोनों साइन लेना, ओके। सो वी कैन से द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो आर वन एंड माइनस फाइव। ये इसकी दो रूट्स हैं जिस पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या होगी, जीरो होंगी, उसको सॉल्व कर देंगे। ये इसके सोल्यूशन है, या ये उसको वैलिडेट कर देते हैं। यदि मैं आपको बोलूँ, एक और क्वेश्चन दूँ, सॉल्व द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, तो क्या आप इसका आंसर निकालोगे इसी तरीके से जैसे हमने ऊपर किया। यदि आप ध्यान से देखोगे इस इक्वेशन को, इट इज़ एग्जैक्टली सेम x प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस नाइन। ये जो लिखा हुआ है वही ये इक्वेशन है। ये क्या किया हमने, इसको सॉल्व कर दिया। अदर टर्म में बोलूँ कि यदि आपको, आपने क्या देखा, यदि आपको इक्वेशन इस फॉर्म में दी थी तो आंसर निकालना कितना ईजी था। यदि आपको इस फॉर्म में दी थी तो आप क्या फैक्टराइजेशन निकालते, फोर के फैक्टर्स निकालते, फिर सॉल्व करते, थोड़ा टाइम लगता। आसान तरीका क्या था, यदि इस इक्वेशन को आप स्क्वायर्स के फॉर्म में कर लेते हो, राइट, तो आपका सोल्यूशन निकालना बहुत इजी हो जाता है। कैसे इजी हो जाता है कि हम क्या बोल रहे हैं, ये जो स्क्वायर्स की फॉर्म क्या है, x प्लस ए, एक्स वेरिएबल है, प्लस कांस्टेंट a, माइनस b दूसरा एक कांस्टेंट है या कोफिशेंट है, माइनस b स्क्वायर। यदि ये इस फॉर्म में आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव जो दिया हुआ है, यदि मैं उसको इस फॉर्म में कर लूँ तो मेरे लिए आंसर निकालना बहुत ईजी हो जाता है। और ये स्क्वायर्स ही हैं, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर, स्क्वायर तो मेरे को समझ में आ गया, बट व्हाट इज़ दिस कंप्लीटिंग द स्क्वायर, अब वो हम समझने की कोशिश करें। तो आपको ये चीज़ याद रखनी पहले तो, ठीक है।
कि यदि इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि इस फॉर्म में लिखी हो एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो तो सोल्यूशन निकालना इजी होता है। पर ये इक्वेशन हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करें वही हमें समझना है, और उसको समझने के लिए कि ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मतलब क्या होता है वो समझ लें। ठीक है, नाउ जस्ट रिमेंबर दिस एक्स प्लस ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये याद रखो, एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इसमें अब हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल मीन्स यू हैव टू डू प्रैक्टिकली कुछ काट पीट करनी है। तो आपको मैंने एक लकड़ी का पीस दिया, ये ग्रीन कलर का एक बोर्ड, और एक मैंने आपको लकड़ी का पीस दिया जिस पर येलो कलर का पेंट हो रखा है। इनके डायमेंशन भी दिए हुए हैं, पहले वाले का डायमेंशन एक्स है, लेंथ भी एक्स है, ब्रेथ भी है, तो दैट मीन्स इट इज़ स्क्वायर। तो इसका एरिया क्या होगा, एक्स इंटू एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर। दूसरे वाले जो लकड़ी का पीस है उसका जो साइज़ है लेंथ है एक्स और ब्रेथ है फोर, तो मीन्स इसका एरिया कितना होगा, फोर एक्स। तो इसका एरिया फोर एक्स है, इसका एरिया एक्स स्क्वायर है, डायमेंशन दी हुई है, प्लस साथ में आपको क्या दिया हुआ है, क्या आपका जो रिक्वायरमेंट है क्या है, जो आपको जो जॉब दिया जा रहा है, तो यू हैव टू मेक अ स्क्वायर टेबल। मीन्स एक स्क्वायर पीस लकड़ी का है, एक रेक्टेंगल पीस लकड़ी का है, जिनका साइज़ डायमेंशन एरिया दिए हुए हैं, आपको एक स्क्वायर टेबल बनानी है। अब स्क्वायर टेबल बनानी है तो आपको हेक्सा चाहिए होगा लकड़ी का पीस काटने के लिए, तो हमने आपको एक हेक्सा भी दे दी, और जब आप काटोगे तो चिपकाने के लिए कुछ चाहिए तो हमने आपको फेविकॉल दे दी। मीन्स आप यू कैन कट इट, यूज़ फेविकॉल एंड मेक अ स्क्वायर टेबल, राइट। तो आपको छोटे स्क्वायर से एक बड़ा स्क्वायर बनाना है, मीन्स स्क्वायर टेबल बन जाएगी आराम से, टेबल टॉप। सो अब आप क्या करोगे, तो आप पहले कोई भी पीस लोगे, सपोज आपने ग्रीन वाले ले लिया, आप इस वाले पीस को रख के देखोगे, लगा के देखा नहीं कि ये स्क्वायर बन रहा है, नहीं ये तो रेक्टेंगल बन गया। आप इधर लगा के देखोगे, नहीं ये भी अभी भी रेक्टेंगल बन गया। और क्या कर सकता हूँ, दैट मीन्स नाउ मैंने आपको क्या दिया, एक्सो आप काट सकते हो। तो आप क्या करो, जो छोटी लकड़ी है उसको काटो, बड़ी को काटने का फ़ायदा ही नहीं, इट्स ऑलवेज बेटर तो छोटी लकड़ी को काट के उसमें एडजस्ट करो, सो दैट वी कैन मेक अ स्क्वायर टेबल। सो लेट्स कट इट। तो हम इसको जो है दो पीस में से वर्टिकली काट देते हैं, सो वी हैव टू पीसेस। अब यदि इन पीसेस की डायमेंशन देखोगे तो क्या हो गया, देखो ये साइड दोनों तो एक्स एक्स हो गई, और ऊपर फोर था तो ये क्या होगा, हाफ हाफ, क्योंकि बिल्कुल हमने सेंटर से इसको बिल्कुल सेंटर से हेक्सा से कट कर दिया। अब इन दो पीस को इस पर एडजस्ट करके देखो, तो लेट्स पुट, नीचे लगाया एक को और एक को मैंने यहाँ लगाया, तो ये कुछ कुछ स्क्वायर जैसा लगने लगा है, बट अभी भी इतना ना लकड़ी कम पड़ गई। यदि इतनी लकड़ी और मेरे को मिल जाए तो ये टेबल क्या होगी, एग्जैक्टली स्क्वायर बन जाएगी। या मैथमेटिकली हम समझें कि ये इसकी क्या डायमेंशन है, एक्स, इस साइड वाली डायमेंशन क्या है, एक्स, और इसको हमने दो पीस में किया था एक्स और टू, तो इनकी डायमेंशन मैं लिख सकता हूँ, ये वाली साइड क्या होगी, टू, लेंथ तो एक्स ही होगी, राइट। इसमें क्या होगी, ये टू और ये एक्स ही होगी। दैट मीन्स मुझे अभी कितना पीस और चाहिए होगा लकड़ी का, यदि मेरे को आप मेरे से बोलोगे सर कितना पीस चाहिए, तो ये साइड है देखो टू, दैट मीन्स ये टू है, और ये साइड टू है, दैट मीन्स ये टू है। दैट मीन्स आपको कितना और पीस चाहिए, टू बाई टू का एक पीस और चाहिए लकड़ी का, सो दैट आपकी 100% स्क्वायर टेबल बन जाएगी इन दोनों से, मीन्स एक छोटा सा पीस और चाहिए। अभी इसी चीज़ को यदि आप मैथमेटिकल लिखोगे कि, और वो जो टेबल बनेगी तो उसका एरिया ऑफ स्क्वायर टेबल कितना होगा, यदि मैं आपको टू बाई टू का पीस भी दे देता हूँ तो क्या होगा, हम लिख सकते हैं ये लेंथ साइड कितनी होगी, एक्स प्लस टू, और इधर कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस टू, तभी तो ये टेबल स्क्वायर टेबल बन जाएगी। मान के चलो मैंने आपको टू बाई टू का पीस दे दिया, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर टेबल का आई कैन राइट एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस टू, लिख सकता हूँ। यदि मैं बोलूँ कि मैंने आपको ये पीस नहीं दिया, तो आप यू कैन फाइंड आउट द अनफिनिश्ड एरिया बोल सकते हो, मीन्स एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू तो ये टोटल एरिया था, उसमें से इतना माइनस कर दो, माइनस कितना कर दो, माइनस टू इंटू टू, आई कैन राइट दिस वे एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू माइनस फोर, ये लिख सकते हैं कि ये तो यदि मैं आपको पीस दे देता है छोटा वाला एक्स्ट्रा पीस, तो आपका एरिया स्क्वायर टेबल परफेक्ट, ये उसके डायमेंशन होते हैं एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू। पर क्योंकि ये आपको पीस नहीं मिला है, तो आपकी अनफिनिश टेबल जो कि स्क्वायर फॉर्म में ना है, तो उसका एरिया कितना होगा, उसका एरिया इतना होगा। बट आपको एक चीज़ याद है कि ये जो हमने लकड़ी दी थी उनका एरिया तो हमको पहले ही मालूम है, पहली का कितना था एक्स स्क्वायर, दूसरी का था फोर एक्स, तो आपने काट के यही तो किया है, तो अभी कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स इज इक्वल टू अनफिनिश का एरिया, ये जो एग्जैक्टली लिख सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं। ये तो हमने क्या है कि जब उसको काट के ऐसे बना लिया तब हमारी डायमेंशन चेंज होगी ना, एक्स प्लस टू और एक्स प्लस टू आ गई, उसमें से इतना मिला नहीं, माइनस फोर ये लिखा हमने,
और पर हमको टोटल एरिया पहले ही लकड़ी मालूम है कितना एरिया था, तो वो हमने लिख दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दिस इज करेक्ट। यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, अब ध्यान से देखो, ये एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, राइट। इसमें हमने अभी थोड़ी देर पहले आपसे क्या पूछा था, क्वेश्चन ये था कि यू हैव टू सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, ठीक है। यही था, हम किससे नहीं कर रहे हैं, हम फैक्टराइजेशन से नहीं कर रहे हैं, और हमको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके किस फॉर्म में लाना है, ये फॉर्म में लाना है, एक्स प्लस ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म में लाना है। इस फॉर्म में लाने के लिए ये हमने आपसे एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज कराई। आप ध्यान से देखो, देखो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, ये ऊपर जो टेबल दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स इक्वेशन दी हुई है, ये मैच कर रहा है, सिर्फ माइनस फाइव नहीं है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से भी माइनस फाइव कर दूँ और राइट हैंड साइड भी माइनस फाइव कर सकता हूँ, मैथमेटिकली पॉसिबल, लेट्स डू इट। तो मैंने इधर भी माइनस फाइव किया और मैंने इधर भी माइनस फाइव लिखा, इसको मैंने रीअरेंज कर लिया, राइट, और इसको भी थोड़ा सा रीअरेंज किया, तो आई कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव लिख सकता हूँ ऐसे। और यदि लेफ्ट में से लिखता हूँ तो राइट में मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस, देखो ये फोर प्लस माइनस फाइव माइनस नाइन हो गया, तो आई कैन राइट थ्री का स्क्वायर। सो ये क्या है मेरी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव, दैट इज व्हाट द इक्वेशन वाज। अब मैंने उसको किस फॉर्म में लिख लिया, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर। ये देखो जो हमने इक्वेशन टॉप कॉर्नर पे लिखी हुई है, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड जो इक्वेशन दी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड जो मेरा एक क्वाड पॉलिनोमियल है, उसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। और वो फॉर्म सी कौन है, स्क्वायर फॉर्म है, वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर, मैं स्क्वायर बने की जो एक्सरसाइज ही थी, दैट इज़ व्हाट। पर इससे आपको ये समझ में आ गया था कि हम इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्यों बोल रहे हैं, कि हमने दो पार्ट लिए, उन पार्ट से किसी तरीके स्क्वायर बनाने की कोशिश की, जो नहीं मिला वो हमने सबट्रैक्ट किया, और फिर हमने वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अल्टीमेटली स्क्वायर फॉर्म में लिख लिया, जो कि ये फॉर्म है। एंड दैट इज़ व्हाट वी आर सेइंग, कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने एक स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया और उसी को बोलते हैं कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर, वी हैव कंप्लीटेड दैट वर्क, राइट। अब ये जो हमने सॉल्व कर लिया, जो स्क्वायर्स बना लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में लिया है, तो हमारा सोल्यूशन निकालना बहुत ईजी है। बट ये हमने जो ऐसे करके कंप्लीट किया एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा लाने के लिए, हमने फेविकॉल और हेक्सॉ का बड़ा सब चीज़ का यूज़ लिया, तब जाके हम निकाल पाए। बट प्रैक्टिकली बार बार तो ऐसे कर नहीं सकते क्लास में बैठ के, राइट। तो हमको ये पता लगाना है कि इसको मैथमेटिकली कैसे हम ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं, वही हमें समझना है, तब हम समझ जाएंगे। ये तो मैंने एग्जांपल आपको इसलिए कराया या एक्सरसाइज कि आप समझें कि हम क्यों बोलते हैं इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर, क्योंकि हम एक स्क्वायर को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर बोलते हैं। नहीं तो जैसे फैक्टराइजेशन बोलते हैं, क्योंकि हम फैक्टर बनाते हैं इसलिए उसको फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्यों बोला जाता है, वो समझाने का मेन पर्पस था। अभी इस इक्वेशन को जो हम स्क्वायर फॉर्म में जो लाए हैं उसकी प्रोसेस समझ लेते हैं, और वो प्रोसेस कैसे चलती है। वो प्रोसेस इस टाइप से चलती है कि पहले हम इस इक्वेशन का सिर्फ ये लेफ्ट वाला पार्ट देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स को आप ऐसे लिख सकते हो, दैट मीन्स व्हाट वी हैव डन, कि हमने फोर एक्स को टू से डिवाइड कर दिया। तो टू से डिवाइड किया दो पार्ट में, मीन्स फोर बाई टू एक्स प्लस फोर बाई टू एक्स। इसको यदि आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखोगे क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू एक्स। क्यों, फोर को टू से डिवाइड करोगे तो टू एक्स प्लस टू एक्स। आप मेरे को बोलोगे इसको यदि टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना था तो मैं डायरेक्टली लिख सकता था टू एक्स प्लस टू एक्स। यू आर राइट, आप लिख सकते थे, पर ये मैंने आपको प्रोसेस स्टेप क्यों समझाया है, वो इसलिए यदि ये थ्री एक्स होता तो आप क्या लिखते, थ्री बाई टू एक्स प्लस थ्री बाई टू एक्स। तो आप सिंप्लीफाइड करके थ्री बाई टू एक्स थ्री बाई टू एक्स ही लिखते, राइट। बस यही समझाने का पर्पस था कि जो कोफिशियंट ऑफ एक्स के साथ, एक्स स्क्वायर की बात नहीं करेंगे इसमें, जो कोफिशियंट जो एक्स के साथ जो कोफिशियंट है उसको दो पार्ट में इक्वली डिवाइड करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन है उसको बाहर निकाल लो। तो एक्स कॉमन है तो आई कैन राइट एक्स, कॉमन बाहर निकाल लिया, एक्स प्लस टू, टू एक्स अब ऐसे ही रह गया। फिर आपको याद है हमने इसको बनाने के लिए, टेबल बनाने के लिए कुछ कमी पड़ गई थी टू बाई टू के, तो हम क्या करेंगे इसमें प्लस टू बाई टू कर दूँ और माइनस टू बाई टू कर दूँ। यदि मैं आपको इतना दे दूँ तो आपका स्क्वायर बन जाता है, टेबल बन पूरी एग्जैक्टली स्क्वायर बनती टेबल, इतनी ये तो एरिया है ना लकड़ी का एरिया, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स।
आपको 2 by 2 कम पड़ गया तो वो मैंने दे दिया। अब यदि दिया मैथमेटिकली मैं जो दूंगा उतना माइनस कर दिया, मैं लिख सकता हूँ इस फॉर्म में, यदि मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो अब देखो ये जो फर्स्ट ये जो टर्म है एक्स प्लस टू एक्स, और ये इनमें से मैं कुछ कॉमन निकाल सकता हूँ, तो वी आई कैन राइट एक्स प्लस टू एक्स, या इसमें से 2 कॉमन पहले निकाल लेते हैं। चलो तो एक्स प्लस टू लिख सकता हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस टू बाई टू। अब देखो इन दोनों में एक्स प्लस टू कॉमन है, तो इस वाले का क्या बचेगा एक्स प्लस टू, और एक एक्स प्लस टू बाहर आ गया, एक एक्स प्लस टू बाहर आ गया, और ये एक्स प्लस टू यहाँ रह गया। और 2 into 2 का मैं लिख सकता हूँ माइनस टू स्क्वायर, और एक्स प्लस टू को क्या मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस 4 का 4, या 2 का 2 का स्क्वायर, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। पर हमारी इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और उसको क्या है माइनस 5, तो हमको क्या करना पड़ेगा दोनों तरफ से माइनस माइनस करना पड़ेगा 5। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और देखो यदि ये आ गया तो इसको अगेन वी कैन राइट एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर 4 + 5 9, दैट मीन्स माइनस 9, या मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। सो द इक्वेशन द हमने जहाँ से इक्वेशन स्टार्ट की थी, ये जो इक्वेशन स्टार्ट की थी, कैन बी रिटर्न एज एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस 9, और या 3 का स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर बाय दिस प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोसेस स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या हुआ, जो हमको एरिया दिया हुआ है इक्वेशन में ये वाला पार्ट, हम कांस्टेंट की बात नहीं करते हैं, जो एक्स का जो कोफिशियंट होता है उसको हाफ करते हैं, उसमें जो एरिया की कमी है जो हमने अभी टेबल बनाई थी, राइट जो टेबल बनाई थी कितना जो कमी पड़ी थी उतना हमने आपको दे दिया, मैथमेटिकली उतना माइनस कर दिया, और उसको हम फिल्टर करते हुए ये इक्वेशन बना लिया। तो हमने ये प्रोसेस एक्चुअली फॉलो की, पर यदि आप ऐसे ही फॉलो करोगे तो अभी तो आपने टेबल बनाई है इसलिए आपको अभी ताज़ा ताज़ा याद है कि 2 into 2 का कमी पड़ गई थी लकड़ी की, राइट, बट अदरवाइज तो डिफ़िकल्ट होगा आपको याद करना। तो इसका अच्छा तरीका क्या होता है, इसका एक अच्छा तरीका आप याद रखो कैसे, वो हमको ऐसे लिखना होता है कि हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू दिस, मीन्स जो कोफिशियंट ऑफ x है उसमें से क्या किया, इस जो एक्स स्क्वायर है उसका तो x ले लिया, जो एक्स स्क्वायर है यदि इसमें कोई भी वो भी नहीं है, देखो कोफिशियंट कुछ नहीं है, हम वो इक्वेशन में बात कर रहे हैं जहाँ पे x का कोई भी कोफिशियंट नहीं है, 1 ही है, राइट। तो हम इसको एक्स स्क्वायर में इसकी एक्स स्क्वायर की जगह लिख देंगे एक्स, और जो 4x है उसमें का जो कोफिशियंट है 4, उसको हाफ करेंगे 4/2, उसका क्या करेंगे स्क्वायर, जितना हमने स्क्वायर किया यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ प्लस ही रहेगा, ऑलवेज उतना ही हम माइनस कर देंगे, क्या माइनस करेंगे, तो देखो हमने क्या किया इधर का एक्स लिया इसका 4/2 लिया, ये एक्स और इसका 4/2, उसका स्क्वायर किया माइनस, जो कोफिशियंट है उतना ही माइनस कर दिया माइनस 4/2, क्योंकि बाय 2 किया है तो उतना ही माइनस का उसका स्क्वायर माइनस कर दिया। अब देखो इस इक्वेशन को यदि आप सॉल्व करोगे तो इट विल बिकम बट एक्स प्लस 4/2 का स्क्वायर माइनस, देखो ये 4/2 को करिए यदि सॉल्व करोगे तो इट इज़ माइनस 4, और इसको भी यदि आप सॉल्व कर लोगे इट विल बिकम वट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि ये जो इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और एक्स स्क्वायर प्लस 4x देखो ये जो दिया हुआ है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यदि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो मैं इस इक्वेशन का ये पार्ट को मैं लिख सकता हूँ, तो इस चीज़ को एक्स स्क्वायर प्लस 4x की जगह मैं यहाँ डाल दूँ, या कहने का मतलब दोनों तरफ से माइनस फाइव पर वही मतलब होता है, तो कहने का मतलब है तरीका है बोलने का। सो दिस कैन बी रिटर्न एज एक्स प्लस 4/2 का होल स्क्वायर माइनस 4 और माइनस 5। अगेन ध्यान से देखो तो ये क्या हो गया एक्स प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 9। तो हमने डायरेक्टली सॉल्व कर लिया। अब हम एक एग्जांपल लेंगे और जब हम सॉल्व करेंगे तब आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि हम कितनी फास्ट करें, 2-3 एग्जांपल आप सॉल्व किए नहीं एकदम परफेक्ट हो जाओगे। और इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अभी तक जो मैंने आपको इक्वेशन दिखाई थी उसमें एक्स का कोई कोफिशन नहीं था, बट इस इक्वेशन में जब अभी हमने इक्वेशन कंसीडर किया है इट इज़ 3x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमको 3 नहीं चाहिए, यहाँ 3 हुआ तब तो प्रॉब्लम है, ये देखो 3 किसी का स्क्वायर नहीं है तो रूट 3 लिखता मैं, या मैं इस पूरी इक्वेशन को 3 से और मल्टीप्लाई कर दूँ, तो आई कैन राइट दिस में मल्टीप्लाई कर दो, सो दैट जो मेरा ये जो परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, क्यूब रूट में बनाओगे ना थोड़ा मज़ा नहीं आता है, तो आप क्या करो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो अब ये क्या हो गई, दोनों इक्वेशन लेफ्ट राइट को मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा 9x² 5 3 15 माइनस 15x 3 2 6 प्लस 6 = 0। सो द अबाव इक्वेशन जो भी दी हुई है हमने उसको इस फॉर्म में लिख लिया, क्यों लिखा, क्योंकि जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है यदि मैं इसको ब्रैकेट लगा के लिखूँ तो आई कैन राइट 3x का होल स्क्वायर में लिख पाऊँ,
मेरे को ये स्क्वायर चाहिए कोफिशेंट, राइट। यदि आपने स्क्वायर स्क्वायर फॉर्म में लिख लिया, तब कंप्लीटिंग द स्क्वायर इस फॉर्म में लाने के लिए आपके लिए इजी हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, पहला स्टेप तो आपने कर लिया कि एक्स का जो कोफिशेंट है उसको स्क्वायर फॉर्म में लिया है। कैसे लिया है? मल्टीप्लाई कर दिया। यदि नहीं है तो उतना ही कोफिशेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो स्क्वायर आ गया। फर्स्ट स्टेप वी हैव डन। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये जो मेरी इक्वेशन है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इस टाइप से लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखो, 9x क्यों हमने स्क्वायर किया था समझने के लिए, 9x² - 15x + 6। एक बार को प्लस सिक्स को आप भूल जाओ टाइमिंग के लिए, हाँ आप इन दोनों टर्म को याद रखो। दैट मीन्स ये चीज़ को मैंने ऐसे लाया, कैसे लाया? यहाँ ये फॉर्मूला याद है आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab + b² और यदि यहाँ माइनस हो तो हम क्या करते हैं, बीच में यहाँ माइनस लगा देते हैं। तो ये फार्मूला याद है कि कोई भी दो नंबर के सम का स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस 2 ऑफ पहला मल्टीप्लाई बाय दूसरा और फिर बी स्क्वायर। अब दोबारा वापस आओ। अब यदि मैं फर्स्ट टू टर्म देखूँ, 9x² - 15x, मान लो ये मेरे ये वाला पार्ट है 9² और ये सेकेंड, राइट। तो इसको तो 9x² को तो मैं लिख सकता हूँ 3x² और माइनस है तो यदि माइनस फार्मूला तो माइनस का माइनस है यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। 15 को क्या मैं लिख सकता हूँ? 2 चाहिए मेरे को तो मैं लिखा 2। यदि 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मैं 2 से डिवाइड भी कर दिया, तो मैं कर सकता हूँ 15 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 से डिवाइड करूँ, कोई फर्क नहीं है, तो मैंने 2 लिख दिया। देखो इस फार्मूला से 2। अब मेरे को चाहिए a, a क्या है यहाँ पे? देखो मेरा 3x, तो मैंने यहाँ लिख दिया 3x। b मुझे मालूम होना चाहिए सो दैट मैं वो वैल्यू क्या है कि देखो यदि मैं इसको 2/2 कर से डिवाइड किया है तो ये 3x हो गया, तो मैं 3x को किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 5 3 15, तभी तो 15x आएगा। तो मैंने क्या किया, देखो -15x को इस फॉर्मूला से मैच कराते हुए, 2ab से मैच कराते हुए मैंने ऐसे लिख दिया। तो कैन वी राइट? यस वी कैन, लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, a² - 2ab, पर बी स्क्वायर नहीं लिखा हमने, अभी हमने बस इस फॉर्मूला का इतना पार्ट याद यूज़ किया, इतना पार्ट यूज़ किया है। यदि मैं इसको b² इसमें ऐड कर दूं और उतना ही माइनस कर दूं तो मैं एक पार्ट मेरे को मिल जाएगा। हम सिक्स में अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, याद रखना। ओके सो लेट्स डाउन, तो व्हाट वी डू कि हमने बी का स्क्वायर किया और उतना ही माइनस कर दिया, तो कोई इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो जितना ऐड किया उतना माइनस कर दिया, तो दोनों दूसरे को काट देने। तो पर ये है क्या 5/2? ये मेरी इक्वेशन का बी पार्ट है, बी राइट 5/2। ये रहा देखो 2a - 3x * b = 5/2, तो +5/2² - 5/2² किया। अब यदि मैं इन दो राइट टर्म्स को भूल जाऊँ तो ये देखो ये यहाँ से यहाँ तक जो लिखा है a² - 2ab + b², तो मैं क्या लिखता हूँ, a + b का होल स्क्वायर। तो a क्या है 3x, तो यू कैन राइट 3x माइनस b क्या है 5/2, 5/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? कुछ समझ में आ रहा है? घबराओ ना, आसानी से समझोगे तो समझ में आएगा। दोबारा करें, यही तो दोबारा करते हैं। लेट्स सी कि हमको जो इक्वेशन दी हुई थी, हमको जो भी इक्वेशन यदि कोफिशियंट यदि उसमें कुछ दिया हुआ है तो हमको कोफिशियंट को स्क्वायर बनाना होता है। स्क्वायर के लिए हमने 3 से पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारी ये इक्वेशन आ गई। फिर हमने 9x² - 15x जो पहले दो टर्म है उनको a - b² - 2ab + b² के फॉर्मूले के फॉर्म में लाने की कोशिश की। तो ये क्योंकि हम स्क्वायर फॉर्म में लिख चुके थे तो हम लिख सकते हैं 3x², इसको 15x को हम लिख सकते हैं माइनस 2 चाहिए था हमको, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से ही डिवाइड किया, 15 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, x तो है ही, और ये हमको क्या चाहिए पहली टर्म 3x, तो 3x लिख दिया। दूसरी टर्म जो चाहिए सो दैट इसका मल्टीप्लीकेशन का 5 3 15 15x, वो लिख दिया। तो हमने पहली दो पार्ट तो लिया है इस फॉर्मूले के। अब हमको बी स्क्वायर इसमें है नहीं, तो हमने क्या किया, इसको बी स्क्वायर क्या है, बी हमें मालूम है इस 5/2, तो बी स्क्वायर ऐड किया और बी स्क्वायर ही माइनस किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और जो कांस्टेंट था उसको वैसे ही लिखा रहने दिया। अब हमने इन फर्स्ट थ्री टर्म को देखा, ये क्या है, a - b² का एक्सपेंडेड फॉर्म है, यही है। तो a हमारा 3x है, b हमारा -5/2 है, उसका स्क्वायर लिख सकते हैं। बाहर जो हमारा था क्या था, -5/2² + 6, इसको हमने स्क्वायर कर दिया, 5 5 25 और 2 2 4 + 6। अब ये राइट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया, तो देखो ये लेफ्ट तो ऐसे ही लिखा रहने दिया,
माइनस थ्री, थ्री एक्स माइनस फाइव बाई टू का स्क्वायर, इसको जब फोर का सिक्स होगा 24, 24 माइनस 25 क्या होगा 1, तो माइनस 1/4। आप यदि इसको भी ध्यान से देखोगे तो इसको हम लिख सकते हैं 3x माइनस 5 बाई टू का होल स्क्वायर माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमको ये इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है। अभी तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ही लिखी थी, ऐसे लिख सकते हैं। और यदि ऐसे लिख सकते हैं तो इसको मैं यदि राइट साइड ले जाऊँ तो वी कैन राइट 3x माइनस 5 बाई टू का होल स्क्वायर इसको 1/4, और इसका भी यदि हम स्क्वायर रूट ले लें तो वी कैन से कि 3x माइनस 5 बाई टू, क्योंकि स्क्वायर रूट में ये रह जाएगा, और 1/4 क्या होगा प्लस माइनस हाफ, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है, प्लस माइनस आपको मालूम ही है हमको हमेशा लिखना होता है। दैट मीन्स 3x माइनस 5 बाई टू आइदर इज इक्वल टू हाफ और इज इक्वल टू माइनस हाफ, वी कैन राइट। सो लेट्स राइट डाउन, दैट मीन्स अब मुझे x की दो वैल्यू मिलेगी, एक लेफ्ट वाली इक्वेशन से, एक राइट वाली इक्वेशन से। जस्ट सॉल्व इट, यू विल गेट x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2/3। दैट मीन्स जो मेरी इनिशियल इक्वेशन थी, राइट, ये इक्वेशन थी 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर इस फॉर्म में लाए मैं और उससे हमने ये निकाल लिया। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया कोई बात नहीं, हमको एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। तरीका कि ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं, कि पहला हमने लिया था जिसमें x का कोई कोफिशियंट नहीं था, दूसरे में हमने लिया जहाँ पे x का एक कोफिशियंट है, हमने उसको स्क्वायर बनाया और a माइनस बी या a प्लस बी के स्क्वायर के फॉर्मूला को हमने यूज़ किया, और फिर हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर की हेल्प से इक्वेशन के सॉल्यूशंस या रूट्स निकाले। यहाँ तक क्लियर है? एक और इसका टाइप ले लेते हैं जहाँ पे हमारा कोफिशियंट जो है थोड़ा सा डिफरेंट हो, कि हम नहीं चाहते कि वो उसको हम स्क्वायर फॉर्म में करें। सेम इक्वेशन को 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 को इसको हम स्क्वायर फॉर्म में, हम क्या करते हैं इसको हटाई देते हैं यहाँ से। हटाएंगे कैसे? कि इस थ्री पूरी इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को 3 से डिवाइड कर दूँ, तो इट विल बिकम क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0। एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखना है, कि हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर रहे हैं, कि मीन्स हम वो टेबल बना रहे हैं दो पीस से, मीन्स यदि इक्वेशन फॉर्म में बोलें दो पार्ट से, जिसमें कि हम टेबल बनाते बनाते रह जाते हैं, मीन्स छोटा सा एरिया हमारा रह जाता है, अदरवाइज हम इस इक्वेशन को कंप्लीट कर लेते तो हमारी इक्वेशन बन जाती, और हमने उसी चीज़ को जो चीज़ नहीं थी हमको मालूम चल गई उसकी वैल्यू, उतनी चीज़ हमने उसमें से माइनस कर दी। तो x प्लस ए का होल स्क्वायर, ये तो पूरा स्क्वायर टर्म है, हमने उतना चीज़ माइनस कर दी जो हमारे पास नहीं थी, दैट इज़ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये हमने किया था। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अब देखो, जब हमने इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया, अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं, मान लो ऐसे। नाउ अब हम ये बोल रहे हैं कि x, तो हम x लिखेंगे, और जो कोफिशियंट ऑफ x है, x स्क्वायर का नहीं, x का कोफिशियंट, उसका जो माइनस में जो 5/3 है उसको हाफ से डिवाइड करेंगे, आधा करेंगे, और उतना ही उसमें माइनस करके लिखा है, उतना ही एक बार और दो बार माइनस करेंगे। पर कैसे लिखेंगे ध्यान से देखना। तो हमने एक्स स्क्वायर की जगह लिखा x, 5/3 जो है माइनस 5/3 है, माइनस 5/3 उसको हाफ से डिवाइड किया, इस पूरे का स्क्वायर कर दिया, पहला। दूसरा, जितना टर्म हमने ये इसमें से माइनस किया उतना ही और माइनस उसका स्क्वायर माइनस कर दिया, ठीक है, और जो ये लास्ट टर्म थी उसको कुछ नहीं किया, उसको वैसे ही लिख दिया। अब इसमें हमारी दो चीज़ हो गई, ये पहली हो गई x माइनस कोई चीज़ का स्क्वायर, x माइनस, तो यहाँ पे x प्लस ए स्क्वायर है तो x माइनस भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, ये प्लस का ए स्क्वायर, तो इसे स्क्वायर फॉर्म मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ है। तो मीन्स हमारा एक पार्ट आ गया माइनस बी स्क्वायर, मीन्स ये जो हमारा जो सेकेंड पार्ट है अभी ये इतना ही है, अभी ये नहीं है, दैट मीन्स ये भी चीज़ जो है मेरे बी स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए, तो इसको हमको सॉल्व करना होगा। हमने ध्यान से देखो, हमने क्या किया, हमने बीच वाले कोफिशियंट को जो माइनस 3/2, मीन्स जो एक्स का कोफिशियंट है, यदि इक्वेशन आगे पीछे लिखी हो, एक्स पहले लिखा हो, एक्स स्क्वायर बाद में लिखा हो, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, फिर जो कोफिशियंट है एक्स स्क्वायर का यदि 3 है उसको नलीफाई करो, मीन्स कैसे, उतने से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन। अब जो कोफिशियंट आएगा एक्स का उसको हाफ करो, माइनस 5/3 मीन्स हाफ किया, तो पहले हमने क्या लिखा, एक्स माइनस हाफ 5/3 का स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस साइन है इसलिए माइनस रहेगा, और बाहर आपको हमेशा उतना ही माइनस करना है, बेशक ये अंदर प्लस होता, तो हमने माइनस किया हाफ 5/3 का स्क्वायर, और जो बाकी जो कोफी थर्ड टर्म थी सी थी उसको हमने वैसे ही लिख दिया।
अब इन दोनों इसको हमको सिंप्लीफाई कर देना है, ये इनको जो अंदर हाफ और 5/3 है इसको सिंप्लीफाई कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो दिस वी कैन राइट इन दिस वे कि x माइनस 5 तो 5 ही रहेगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, तो आई कैन राइट x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर प्लस इसको भी सॉल्व कर लो। इसको आप सॉल्व करोगे कितना वैल्यू आ गई, देखो 2/3 तो 2/3 थी, आगे पीछे लिख सकते हैं, माइनस 25/36, 5/5 = 25, 3/2 = 6, 6/6 = 36 स्क्वायर किया। अब इसको फर्दर सॉल्व करो, इट कैन बी रिटर्न एज, ये तो पहला वैसे ही रहा, -1/36। सो इसको भी फर्दर यदि सॉल्व करेंगे इट विल बी, ये तो ऐसे ही रहेगा, 1/36 को क्या लिख सकते हैं, 1/6 का होल स्क्वायर, और ये आ गया सेम फॉर्म में, कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म फॉर्मूले में आ गया, एक्स प्लस बोलूँ या माइनस बोलूँ का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये सेकेंड टर्म हो गई, ये हो गया राइट। सो वट वी कैन से, यदि मैं स्क्वायर रूट लूटता तो एक्स माइनस 5/2 स्क्वायर लूटूंगा इज इक्वल टू 1/6 का होल स्क्वायर, और यदि 1/6 लूंगा तो क्या होगा आंसर, प्लस माइनस 1/6 होगा, ये याद रखना स्क्वायर रूट इस में। तो आई कैन, इसको जब आप सॉल्व करेंगे यू विल फाइंड एक्स इज इक्वल टू आइदर 1 और एक्स इज इक्वल टू 2/3, दैट मीन्स यू आर एबल टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे जिससे कि आप फास्ट सॉल्व करेंगे, अभी तक तो हम ऑप्शंस बता रहे थे कि कैसे करना चाहिए। सो लेट्स टेक एग्जाम्पल नंबर 7, सॉल्व द इक्वेशन गिवन 2x² - 5x + 3 = 0 बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। और जब भी हम मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर की बात करते हैं तो हमको क्या ध्यान रखना है कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको इस फॉर्म में, मीन्स एक्स प्लस माइनस बोलो a² - b² = 0, इस फॉर्म में लाना है राइट। तो जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है तो हमको पहला स्टेप क्या करना होता है कि जो x² का जो कोफिशियंट है उसको क्या करना है, 1 करना है। और 1 कैसे कर सकते हैं इस केस में, इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें तो अपने आप ये 1 हो जाएगा। तो लेट्स राइट इट डाउन वट एवर वी वॉन्ट टू डू। सो पहले हम क्या लिखेंगे, द इक्वेशन इज दिस, इज द गिवन इक्वेशन इज सेम एज दिस। वाई वी आर सेइंग सेम एज दिस, क्यों हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया, क्यों किया, क्योंकि एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को हमको क्या करना है, 1, ये पहला स्टेप था। आप इस तरीके से लिखो और यू कैन से द गिवन इक्वेशन इज दिस, डिवाइड द गिवन इक्वेशन बाय 2, देयरफॉर वी गेट दिस, दैट इज ऑल्सो सेम। आप इंग्लिश में ऐसे लिखो या सिंपलर फॉर्म में लिखो, इट्स अप टू यू। पर्पज इज कि हमको एक्स स्क्वायर के जो कोफिशियंट है उसको सिंगल करना है, 1 लाना है। तो पहला काम कर लिया। अब जब पहला काम हमने कर लिया, फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया, सो नाउ जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन वी कैन से कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, अब इसको ध्यान से देखना, हम क्या करेंगे, जो x का कोफिशियंट है, एक्स स्क्वायर को तो 1 कर दिया, अब x का बात करेंगे, कॉन्स्टेंट की बात नहीं करनी है। अब जो x का जो कोफिशियंट है उसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे और फिर देखो कैसे लिखेंगे। वी विल राइट दिस वे कि एक्स माइनस 5/4, 5/2 को 2 से डिवाइड करोगे 5/4 हो जाएगा, तो विल राइट एक्स माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, मीन्स जो हमने x का जो कोफिशियंट था जब 2 से डिवाइड किया उसको पहले वाले में तो जो माइनस साइन बीच में दिया तो माइनस लिखो, इनकेस यदि प्लस होता तो प्लस लिखो। बस ध्यान यही रखना है कि हमको जो x का कोफिशियंट है उसको हाफ यहाँ रखना है, और एक्स स्क्वायर में से क्योंकि स्क्वायर हम भाग लिया है तो ये बाहर आ गया। अब जब इसको आप स्क्वायर करोगे तो वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो तो सेकेंड टर्म तो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव ही आएगी। ए जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे या एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे राइट, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आएगा, तो ये जो हमारा हमेशा बी स्क्वायर आएगा, तो क्योंकि ये हमारा स्क्वायर हो रहा है तो हमको क्या करना है, उतना ही माइनस कर देना है। तो ऑलवेज बीच में साइन प्लस हो या माइनस हो हमें माइनस क्या करना है, एक्स के कोफिशियंट का हाफ, तो मीन्स हाफ तो हमने यहाँ लिखा और इसके स्क्वायर को इसमें से माइनस किया, और जो कॉन्स्टेंट टर्म की हमने उसको वैसे ही लिख दिया ठीक है। अब देखो इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि ये वाली टर्म तो हमारी इस फॉर्म में आ गई, वेयर इज राइट हैंड साइड का ये जो पार्ट था इसको सॉल्व कर लिया, इट इज़ 1/6, 16। तो हमारा इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इस फॉर्म में लिया है, दैट इज दिस। अब इसको सॉल्व करना आपके लिए बहुत ईजी है। सो वट वी विल से कि वी विल से कि देयरफॉर द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज दिस, लिख सकते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड यही तो थी, डिवाइड बाय 2 की थी। यदि हम ये लिख सकते हैं तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारी जो गिवन इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो आर एग्जैक्टली द सेम एज दैट ऑफ व्हाट, ये जो इक्वेशन हमको दी हुई है जो हमने मॉडिफाई कर दिया, क्या मॉडिफाई कर दी, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर इस फॉर्म में लिया है
ये कह सकते हैं, और यदि हम ये कह सकते हैं तो इसके रूट्स निकाल लो। तो इसके रूट्स कैसे निकालेंगे, वी कैन से कि दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, और इसको 16 को यदि मैं साइड में ले जाऊँ तो आई कैन से इट सेम इज़ राइटिंग दिस वे, एक्स माइनस 5.4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16, और 1/16 क्या है, 4 का 1/4 का होल स्क्वायर। तो हम दोनों तरफ से यदि स्क्वायर रूट लेने तो आंसर निकलाएगा, तो मीन्स लेफ्ट हैंड साइड कितने के बराबर होगी, प्लस माइनस 1/4। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगी, सो वी विल से एक्स माइनस 5.4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/4 की। ये क्या किया है, हमने इस इक्वेशन का दोनों तरफ से स्क्वायर रूट ले लिया। और आपको ध्यान क्या रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड तो वैसी रहेगी, पर जो राइट हैंड साइड को आपने किया प्लस माइनस में हमेशा लिखना है। क्यों लिखते हैं, जस्ट दोबारा रिमाइंड कर लेते हैं कि प्लस 1/4 का यदि मैं स्क्वायर करूँगा तो 1/16 आएगा, और यदि माइनस 1/4 का भी स्क्वायर करूँगा तो भी 1/16 आएगा। इसलिए हमको ये नहीं मालूम है कि वो प्लस है माइनस है, इसलिए हम दोनों को ले लेते हैं। और जब हम दोनों को ले लेते हैं तो दैट मीन्स वी हैव टू इक्वेशंस कि एक्स माइनस 5.4 इज इक्वल टू प्लस 1/4 और माइनस 1/4। दैट मीन्स वी हैव टू वैल्यू ऑफ एक्स। तो आई कैन से कि एक्स इज इक्वल टू दिस, और आई कैन से एक्स की एक वाली प्लस 1/4 लिया और एक बार क्या किया, माइनस 1/4 लिया। इसको सॉल्व कर लो, इसको भी सॉल्व कर लो, वी विल गेट टू वैल्यू ऑफ एक्स। इसको सॉल्व करते हैं वैल्यू कितनी आई, 3/2, और यदि इसको सॉल्व करते हैं एक्स इज इक्वल टू 1। एंड 3/2 और 1 क्या है, दीज आर द रूट्स, रूट्स ऑफ व्हाट, द गिवन इक्वेशन और गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और या उसको दूसरे फॉर्म में क्या बोलते हैं, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन आर एक्स इज इक्वल टू 3/2 एंड 1, विदाउट दीज आर द सॉल्यूशन और द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने कैसे किया, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर हमने ये इजीली कर लिया। तो ये आपको आई थिंक इस एग्जांपल से जो अभी तक हमें समझा रहा था वो समझ में आया होगा। इफ नॉट लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, दिस इज एग्जांपल 8, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5x² - 6x - 2 = 0 बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। आपको हो सकता है बहुत बार इक्वेशन दिया, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, और यदि ये बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर नहीं दिया हुआ है तो कोई जरूरी नहीं है कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करो, पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर काफ़ी इजी मेथड होता है, आप फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, पर यहाँ पे क्योंकि कंप्लीटिंग दिया है तो लेट्स डू इट बाय कंप्लीटिंग। तो पहला स्टेप क्या करना होता है कि पहले जो इक्वेशन दी गई है उसमें एक्स स्क्वायर का जो कोऑर्डिनेट है, कोफिशियंट है, उसको क्या करना है, 1। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई द इक्वेशन थ्रू आउट बाय 5। ओके, इस केस में हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हम 5 का स्क्वायर में ऐसे भी कर सकते हैं, दिस इज अनदर वे, बट इज इट स्लाइटली डिफिकल्ट वन, पर लेट्स डू इट। तो हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 25 हो गया, 6 × 5 = 30, और 5 × 2 = 10, ये हो गया। ओके, फिर हम क्या लिखते हैं, दिस इज सेम एज वी कैन से, इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, कि ये जो फर्स्ट टू टर्म को देखो, ये 5x का स्क्वायर हुआ माइनस 2ab माइनस 2, a क्या है 5x, b क्या है, b मेरे को कितना लाना है, मुझे इतना लाना है कि आंसर 30 आ जाए, देखो 5 × 2 = 10 = 30। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये तो फर्स्ट टू टर्म को कर दिया, अब क्योंकि मैं a² - 2ab + b² चाहिए, तो हम क्या करूँगा, +3² b क्या है मेरा यहाँ 3, तो मैं +3² क्योंकि ये एडिशनल हो गया तो उतना ही मैंने माइनस कर दिया, -3² - 10, तो ये था ही, ये लिख दिया, ये हमने पढ़ाई था, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं, वेरी गुड, सो लेट्स सॉल्व इट। और ये कन्फ्यूज़न ना हो तो मैं अगेन आई एम शोइंग द फार्मूला, हमने किस फार्मूला को यूज़ किया है, a + b² होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a² + 2ab + b² इस फॉर्म में लाने की कोशिश की है कि a² + 2ab को हमने +b² - -b² कर दिया। तो देखो b क्या था यहाँ, 3 square - 3 square, पर पहले पता लगाना था 3 कि बी टर्म है क्या, तो हमने क्या किया था, a को तो बहुत ईजी हो गया, 25 का 5x² हो गया, माइनस 2 था, 2 हमने बाहर निकाल लिया, मीन्स 30 में से 2 बाहर निकाल लिया, बचा क्या, 2 बाहर निकालूंगा तो 15 बचा, तो 5x हमको मालूम था ये, तो 5x लिख दिया, फिर क्या बचेगा, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तभी तो 30x हो जाएगा। तो ये सिंपल फॉर्म में हो गया, अदरवाइज ये नहीं होता, हो सकता है किसी से हमको डिवाइड या मल्टीप्लाई भी और करना पड़ता, बट जब हमें बी टर्म मालूम चल गई तो हमने बी स्क्वायर इस फॉर्मूले को कंप्लीट करने के लिए हमने उतना ही बी स्क्वायर किया और उतना ही माइनस कर दिया, दैट इज़ व्हाट वी हैव डन। एंड अब ये कर दिया तो आप इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को वी कैन राइट a - b, b क्या है हमारा 3, a क्या है 5x² माइनस, और ये राइट हैंड साइड को हमने सॉल्व कर लिया रिमेनिंग पार्ट को, किस रिमेनिंग पार्ट को, ये वाले यहाँ से यहाँ तक, तो ये 3² क्या हुआ, 3 × 9 - 9 और -10, इसको और थोड़ा सॉल्व कर लो तो ये क्या हो गया 5x - 3² इन दोनों को ऐड किया -19 = 0,
और 19 को राइट साइड में ले जाओ तो इट कैन बी रिटन दिस वे। अब इन दोनों का स्क्वायर रूट ले सकते हैं, लेट्स टेक द स्क्वायर रूट। जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये तो स्क्वायर है तो ये तो यही रह जाएगा, और जब यहाँ स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 19 लिखा जा सकता है। सो इससे एक्स की हमको दो वैल्यू मालूम चलेंगी, लेट्स फाइंड आउट। तो 5x इज इक्वल टू, इसको और ऐसे लिख सकते हैं, और x कैन बी रिटन एज 3 प्लस माइनस अंडर रूट 19 अबर 5। या तो मैं ऐसे लिखूं कि ये दो x की वैल्यू है, एक में प्लस लेके चलूं एक में माइनस, और आप इसको और मॉडिफाई कर सकते हो, और यू कैन राइट दिस वे, देयरफॉर द रूट्स आर 3 प्लस अंडर रूट 19 बाई 5 एंड 3 माइनस 19 अंडर रूट 19 बाई 5। सो दीज आर द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आपको इस केस के अंदर 5 को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमने ये फार्मूला यूज़ किया, अदरवाइज यू कुड हैव डन इट, कोई कंपलसरी नहीं था आपको इसको कहता, आप 5 से इसको डिवाइड कर देते पूरे को, यू कुड हैव सॉल्व इट, लेट्स डू इट। यदि हम इसको सिंपल एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को यदि हमको हटाते तब कैसे होता, लेट्स डिवाइडेड बाई 5, इट विल बिकम दिस वे। अब हमको क्या करना होता है, जो ये तो हमने इसको ख़त्म ही कर दिया, और एक्स के कोफिशियंट को क्या करना है, इसका हाफ जो है एक्स के साथ लिखो, तो हाफ डू इट, एक्स माइनस 3/5, 3/ क्यों होगा, 5 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 3 हो गया, और जितना हमने इसमें क्योंकि ये माइनस साइन है तो माइनस रहने दिया, और बी का स्क्वायर माइनस करना ही होता है, और बाकी क्या था 2/5 ये हो गया। अब ये लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा हो गया, अब राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लो, तो राइट हैंड साइड को सॉल्व किया क्या हुआ, 3 3 9/25, और सॉल्व करो तो इट बिकम एक्स माइनस 3/2, ये तो ऐसे ही रहा, ये कितना हो गया 9 + 10 माइनस 19/25, और इसको सॉल्व करो तो इट कैन बी रिटन दिस वे। अब यदि स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ का, क्या स्क्वायर रूट ले लिया अंडर 19, अब यहाँ से क्या होगा, यदि मैं 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या होगा 5x - 3, तो लेट्स डू इट, तो आई कैन राइट 5x - 3, नीचे 5 है और इधर भी 5 5 5 कट गए दोनों तरफ के, तो ये आ गया। अब यदि आप इसको देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो ये क्या है, यही तो है, 5x - 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 19, बोथ आर मैचिंग। अब जब ये दोनों मैच कर रहे हैं उसके बाद जो नीचे लिखा है तो आपकी यही रूट्स आएंगे। दैट मीन्स इस इक्वेशन को बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक केस में कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हमने ऐसे मल्टीप्लाई किया 5 को कि वो इसका स्क्वायर कंप्लीट 5x आ गया, 5x स्क्वायर कर सकते हैं ईजी करने, क्योंकि हम ये फार्मूला यूज़ करना चाहते हैं। वेयर एज अदर केस में हम क्या करते हैं, कोफिशियंट को ही हटा देते हैं यहाँ से, वी विल मेक इट 1। कैसे करते हैं, पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दिया। तो आपको राइट हैंड वाले से जो ही हमने राइट से इससे सॉल्व करो या इस मेथड से सॉल्व करो, इन बोथ द केसेस यू विल गेट द सेम आंसर। क्लियर, वेरी गुड। सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, एंड दिस इज एग्जांपल 9, फाइंड द रूट ऑफ 4x² + 3x + 5 इज इक्वल टू 0 बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। और ये हम दोबारा एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं सो यू विल अंडरस्टैंड कि जब हम ए प्लस बी स्क्वायर का ये जो फार्मूला यूज़ करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है, इससे और क्लियर हो जाएगा। तो हम क्या इक्वेशन दी हुई है ये, तो वी विल राइट डाउन कि नोट दैट 4x² + 3x + 5 = 0 इज सेम एज इफ आई राइट इट दिस वे। अब ये दिस वे में क्या है, मतलब ध्यान से देखो, 4x² को हम ऐसे लिखते हैं 2x² कोई प्रॉब्लम नहीं, और हमने क्या किया, ये है सपोज ये है मेरा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो राइट हैंड साइड है क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab + b², तो इसमें ए जो है वो है हमारा क्या 2x, तो हमने क्या 2x का स्क्वायर, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में मेरे को ए तो मालूम चल गया, ओके अब मेरे को क्या है प्लस 2ab, प्लस साइन है 2 नहीं है, देखो क्या है 3x, तो मैंने क्या किया 2 लिखा, ए क्या है ये है मेरा 2x, मैंने लिखा 2x, बी क्या है जो रिमेनिंग क्या बचाया 3 क्योंकि मैंने 2 और 2 4 से मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया है तो मैं 4 से डिवाइड करूँगा, सो दैट इस इक्वेशन को यदि मैं सॉल्व करूँ, मीन्स इक्वेशन के दिस पार्ट को मैं सॉल्व करूँ तो 3x आना चाहिए, और आप देखो 2 2 कट हो जाएगा तो ये कट हो गया, बचा गया 3 × x 3x। तो वाई वी हैव रिटन इट दिस वे, बिकॉज वी वॉन्ट 2ab, तो हमारा a मालूम है, हमें 2 मालूम हो गया, a × b मालूम हो गया, अब हमको क्या चाहिए b², तो b² को हमने यहाँ लिखा और उतना ही माइनस किया, तो 3/4 का स्क्वायर माइनस 3/4 का अगेन स्क्वायर, तो एक बार ऐड किया एक बार माइनस किया, सो दैट प्लस माइनस मैं जितना इक्वेशन में करूँ प्लस जितना प्लस करूँ उतना ही माइनस करूँ तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो कांस्टेंट टर्म थी थर्ड टर्म दैट इज सी, उसको मैंने ऐसे ही लिखा रह दिया। इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि ये जो पहली टर्म द सेकेंड टर्म एंड दिस थर्ड टर्म वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, दिस राइट हैंड साइड ऑफ दिस फार्मूला a² + 2ab + b² क्या है, देखो a क्या है 2x² + 2ab + b²
दैट मीन्स मैं राइट हैंड साइड को ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। दैट मीन्स ये जो यहाँ लिखा हुआ है उसको क्या मैं लिख सकता हूँ, ए प्लस बी, बी क्या है 3/4 का होल स्क्वायर। तो लेट इट राइट डाउन, तो 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स फर्स्ट थ्री टर्म को मैंने इस फॉर्मूले से रिप्लेस कर दिया। बचा क्या, माइनस जो मैंने अभी किया था 3/4, इसको स्क्वायर कर लो 9/16 प्लस 5। अब इस पार्ट को और सॉल्व कर लो, तो लेट सॉल्व इट, इट बिकम 71/16। और इसको सॉल्व करूँगा मैं राइट में ले जाते हैं, ऐसे ही करते हैं राइट में ले गए, तो इट इज़ -17/16। और ये -71/16 ये माइनस साइन है, दैट मीन्स इट इज़ लेस देन जीरो। कोई भी माइनस नंबर होता है क्या होता है, जीरो से छोटा होता है। अब इससे क्या फ़र्क मालूम चला, अब ध्यान से देखो इस इक्वेशन को। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स मैं x की कोई भी वैल्यू डालूँ, यदि मैंने 1 डाला या -1 डाला या कुछ भी डाला, तो यदि मैं -1 डालता हूँ तो ये -2 हो जाएगा, -2 में से 3/4 तो माइनस टर्म क्या आएगी, माइनस नेगेटिव, और नेगेटिव टर्म का जब मैं स्क्वायर करूँगा तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, पॉजिटिव। और यदि मैं x को पॉजिटिव वैल्यू लेता हूँ, 1 लेता हूँ, तो ये तो पॉजिटिव ही रहा। जब ये पॉजिटिव में भी पॉजिटिव है और नेगेटिव में भी, क्योंकि मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, हमेशा पॉजिटिव रहेगी लेफ्ट हैंड साइड, हाउ कम इट इज़ इक्वल टू द नेगेटिव टर्म विच इज़ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मेरी नेगेटिव है, लेफ्ट हैंड साइड मेरी हमेशा इररेस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ एक्स इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। दैट मीन्स कि जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड जब ये नेगेटिव ही कभी होगी नहीं, इसका मतलब कोई एक्स की वैल्यू मेरे को मिलेगी नहीं। और जब मुझे कोई एक्स की ऐसी वैल्यू मिलेगी नहीं, तो एक्स की कैसी वैल्यू, नो रियल वैल्यू ऑफ एक्स, मीन्स ऐसा कोई मेरे को नंबर ही नहीं मिलेगा जिसमें मैं एक्स को यहाँ डालूँ और उसका स्क्वायर करूँ वो नेगेटिव आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि माइनस माइनस का स्क्वायर क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव। जब वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वी विल से कि देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, इसकी कोई रियल रूट है ही नहीं, मीन्स कोई एक्स की ऐसी रियल वैल्यू है ही नहीं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मीन्स लेफ्ट पार्ट को। और जब लेफ्ट पार्ट सेटिस्फाई नहीं हुआ, वो क्या है अल्टीमेटली, हमने क्या यहाँ से निकाला था, तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही हमने निकाला था। हेंस दिस वे वी हैव सॉल्व दिस इक्वेशन। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारी रूट्स आएँ, या मीन्स एक्स की वैल्यू हमें मालूम ही चले या सोल्यूशन ही निकाल पाएँ। बहुतों का सोल्यूशन नहीं भी निकलता है। और क्यों नहीं निकलता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है, चलो नहीं क्लियर है कोई बात नहीं, अब हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, तब इस चैप्टर में आप समझोगे कि ये नो रियल रूट्स का मतलब क्या होता है, या नो रूट्स का, नो आंसर आने का कब किस कंडीशन में होगा। एंड दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। क्या था, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये आपको जब भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर है तो ये फॉर्मूला याद रखना है। अब हम ये समझना चाहते हैं कि ये जो नो रूट्स आई या कोई सोल्यूशन नहीं आया, उसको कैसे समझें। तो उसको समझने से पहले हम अपनी जेनरिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते हैं। तो हमारी जो जनरल या जेनरिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, यही होती है। अब हमको यदि कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है तो ईजिएस्ट मेथड क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है उसको क्या कर दो, 1 कर दो, सो दैट हमको सॉल्व करना ईजी हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको यदि ए को यहाँ से हटाना है तो क्या करें, इस पूरी इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को किससे कर दो, ए से डिवाइड कर दो। सो लेट्स डू इट, तो इट विल बिकम लाइक दिस, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। तो पहला स्टेप हमने कर लिया कंप्लीटिंग द स्क्वायर का। दूसरा स्टेप क्या होता है, बी बाय ए है, इसको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। और कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस जो हमने सेकेंड टर्म है उसका, जो अभी हमने b अपॉन 2 आया था उसका स्क्वायर माइनस कर देना हमेशा, ये हमने सीखा था। और लास्ट टर्म क्या थी, जो थी उसको वैसे ही लिख देना। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ नहीं करना, ये तो इस फॉर्म में आ गया, जो कि हमारी क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, x प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब बी जो स्क्वायर है, इस पार्ट को हमको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट या सिंप्लीफाइड। तो देखो b को स्क्वायर कहूँगा बी स्क्वायर, 2a का क्या होगा 4a स्क्वायर, और सॉल्व कर सकते हैं, यस वी कैन डू इट। तो मैंने साइन बाहर लिखा है, तो मैं यहाँ से यदि करूँ तो 4a स्क्वायर नीचे एलसीएम आ गया, राइट right? और ये हो जाएगा ये क्या होगा 4a का बी स्क्वायर माइनस 4ac मैं लिख सकता हूँ। और क्या कर सकता हूँ, मैं इसको राइट हैंड साइड ले जाऊँ, आई कैन डू दैट, तो लेट्स डू दैट। हम राइट हैंड साइड में लिया पूरे इसको। अब मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों का हम क्या स्टेप करते थे, स्क्वायर रूट, दोनों का स्क्वायर रूट ले लो,
तो यहाँ पे क्या बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस बी अपॉन टू है, और राइट हैंड साइड में जब भी हम स्क्वायर रूट लेंगे क्या लिखना पड़ता है हमको, प्लस माइनस, यू आर राइट। तो लेट्स राइट डाउन प्लस माइनस, ऊपर वाले का तो स्क्वायर रूट हो गया बी स्क्वायर माइनस फोर सी, क्योंकि हमको मालूम नहीं है नीचे क्या है, फोर ए है स्क्वायर है, तो इसको हम देखते हैं टू ए का स्क्वायर लिख सकते हैं होल स्क्वायर, तो नीचे टू ए आ गया, स्क्वायर रूट लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये क्लियर स्क्वायर है। ओके, अब देखो ये इक्वेशन आ गई, अब इसमें से ना बी अपॉन टू ए को भी राइट में ले जाते हैं, तो वी कैन राइट दिस वे एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस में हो जाएगा माइनस बी अपॉन टू ए प्लस माइनस, ये चीज़ को ऐड हो प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन, दोबारा ध्यान से देखो, हमने जेनरिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, हमने पहला स्टेप क्या होता है, हमेशा एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को हटाना होता है, वन करना होता है, उसके लिए हमने पूरी इक्वेशन को क्या किया, दोनों तरफ ए से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ ए कट गया, यहाँ बी अपॉन ए आ गया, सी अपॉन ए आ गया। फिर हमने क्या बोला था, जब हमने वन किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स स्क्वायर को वन कर लिया तो फिर फोकस किस पे होता है, जहाँ पे कोफिशियंट ऑफ एक्स पे, उसमें क्या करते हैं बी अपॉन ए जो भी कोफिशियंट है उसको हाफ से डिवाइड करते हैं, हाफ से राइट, या हाफ से मल्टीप्लाई किया या ए जो भी दिया उसको उसको डिवाइड किया टू से, तो हमने इसको टू से डिवाइड किया, तो फिर इसको ऐसे लिखते हैं एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर, और जो बी टर्म होती है उतना ही माइनस करना होता है, और जो थर्ड टर्म होती है उसको वैसे ही लिख देते हैं, और इस चीज़ को हम बस सॉल्व करते चले गए। बस यहाँ प्लस माइनस का ध्यान इसलिए रखना है, जब भी हम स्क्वायर रूट करते हैं तो हमको ये नहीं मालूम है कि जो हमारी राइट हैंड साइड टर्म है, क्योंकि हमने क्या सीखा था कि यदि मैं प्लस का स्क्वायर करूँ तब भी ये आएगा, और ये माइनस यदि साइन लेके इसका स्क्वायर करूँ तब भी ये आएगा, इसलिए प्लस माइनस लिखना। तो अल्टीमेटली इसको सॉल्व करते हुए वी गेट दिस, इसको और सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई वे में लिख सकते हैं, यस वी कैन राइट दिस वे, कि क्योंकि टू ए टू ए कॉमन है तो हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। अब हमको एक नई चीज़ मालूम चल गई, इससे ही मालूम चल गया कि एक बार मैं प्लस लूँ एक बार माइनस लूँ मेरे को एक्स की वैल्यू मालूम चल जाएगी। तो द फॉर्मूला देखो कुछ बन रहा है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, एंड दूसरी वैल्यू एक्स की क्या आएगी, यहाँ पे देखो ये प्लस साइन था, एक बार माइनस ले लिया एक बार माइनस ले लिया, तो हमारे पास एक्स की ये दो वैल्यू आ गई, और ये दो एक्स की जो दो वैल्यू इनको क्या बोलते हैं, दीज आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी, हमारी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यदि कोई भी इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, दैट मीन्स आपको ए मालूम है बी की वैल्यू मालूम है सी, दीज आर कोफिशियंट्स, यदि ये मालूम है तो आप एक्स की वैल्यू बिना इतना सब कुछ सॉल्व किए डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ करके रूट्स निकाल सकते हो, कितना ईजी हो गया। देखो बी मालूम है तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू है, तो ए भी मालूम है बी भी मालूम है सी मालूम है, तो मेरे को एक एक्स निकल गया, दूसरे में यहाँ प्लस है तो माइनस लिख दिया, या कलेक्टिवली आप लिखना चाहो तो एक ही याद रखो फार्मूला, एक्स इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी, बी क्या है कोफिशियंट ऑफ एक्स, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू है। ये यदि फार्मूला आपको याद है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी दी हो तो आप इजीली उसकी रूट्स पता लगा सकते हो बिना लंबा चौड़ा कुछ किए कि फैक्टराइजेशन करूँ कि ये करूँ कि वो करूँ। ओके, अब इसमें एक चीज़ आपको नोट करने वाली है, अब यहाँ बी स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस सी, इसको बहुत बार ना एक टर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है डी, कैपिटल डी, कौन सी टर्म, जो अंडर रूट के अंदर लिखी हुई है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसको बहुत बार हम एक टर्म होती है डी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड व्हाट इज़ डी, इसको बोला था डिस्क्रिमिनेंट, ये हमने चैप्टर स्टार्टिंग में बताया था। तो दिस डी और दिस फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, व्हाट इज़ वेयर इज़ बी, बी इज कोफिशियंट ऑफ एक्स, ए इज कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी इज अ कॉन्स्टेंट, दीज आर ऑल कोफिशियंट्स ऑफ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यदि मैं उसको इस फॉर्म में लिख देता हूँ तो स्क्वायर ऑफ बी माइनस फोर ए सी, उसको क्या बोला था डिस्क्रिमिनेंट। तो यदि मैं इसको डी से यहाँ पे फॉर्मूला में रिप्लेस कर दूँ, कर सकता हूँ, लिख सकते हैं, तो आप डी लिख लो, या तो ऐसे लिखो माइनस बी प्लस माइनस अंडर स्क्वायर डी अपॉन टू है, ऐसे भी लिख सकते हो, पर हम नॉर्मली याद ऐसे रखते हैं, बस ये याद रखते हैं कि जो अंदर वाला टर्म है उसको हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। यदि कोई आपसे बोल रहा है डिस्क्रिमिनेंट बताओ मेरे को इक्वेशन का बिना रूट के पूछे, तो डायरेक्टली आप बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू डी आप डिस्क्रिमिनेंट बता सकते हैं। अब ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, इट कुड बी पॉजिटिव, कि बी की वैल्यू ऐसी हो कि उसमें से जो भी इन दोनों का प्रोडक्ट हो वो छोटा हो, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा।
अदरवाइज क्या हो सकता है, ये दोनों इसका स्क्वायर और इन दोनों का प्रोडक्ट वो दोनों बराबर हो, तो ए दिस माइनस दिस जीरो हो सकता है। या किसी एक केस में कि ये राइट हैंड साइड की वैल्यू ज़्यादा होगी तो मीन्स नेगेटिव साइड ज़्यादा होगी और बी स्क्वायर की वैल्यू कम होगी तो मेरी डी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। दैट मीन्स द डिस्क्रीमेंट की तीन वैल्यू हो सकती हैं, इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी जीरो और इट कुड बी नेगेटिव। यदि ये वैल्यू पॉजिटिव, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी वो कहाँ है, यहाँ है ये डिस्क्रिमिनेंट। यदि ये पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव का स्क्वायर तो निकालना आता है, तो मेरी रूट्स क्या बन सकती हैं, इफ डी इज़ पॉजिटिव वी कैन से एक्स की जो दो रूट आएंगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू ए मैं लिख सकता हूँ, वेयर डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, या बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो एक्स की दो वैल्यू आ गई, एक माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन टू ए और दूसरी क्या हो गई, माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू ए, दैट मीन्स दो आ गई। सो वी से देर आर टू डिफरेंट रूट, एक में प्लस साइन होगा एक में माइनस, तो रूट्स कितनी होंगी, दो होंगी, एक्स की दो वैल्यू मिलेंगी। अब ये डी की वैल्यू यदि जीरो हुई, सपोज यदि ये जीरो हो गई अंडर रूट के अंदर, ये बी स्क्वायर माइनस फोर इसी जीरो है, तो अंडर रूट ऑफ जीरो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डी है, जीरो जीरो मीन्स जीरो, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू जाएगी माइनस बी अपॉन टू है, क्योंकि ये तो डी, ये डिस्क्रिमिनेंट तो जीरो ही हो गया, या बी स्क्वायर माइनस फोर इसी जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोल रहे हैं जीरो, यदि वो जीरो है तो क्या एक्स की वैल्यू क्या हो गई, ये दैट मींस एक्स की दो वैल्यू आएंगी क्योंकि इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट मींस दोनों वैल्यू क्या होंगी, सेम होंगी, दोनों होंगी माइनस बी अपॉन टू ए, और ऐसा आपने कुछ क्वेश्चन में देखा भी था, सेम रूट आ रही थी। वी से द सॉल्यूशंस आर सेम और द रूट्स आर सेम, ठीक है। अब लेते हैं लास्ट केस, सपोज डी की वैल्यू नेगेटिव हो गई, यदि डी की वैल्यू नेगेटिव हो गई, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर हमने क्या देखा था, हमको आता ही नहीं है, तो इफ़ इट इज़ वी डोंट नो दैट मीन्स इसकी क्या होंगी, रूट्स होंगी नहीं अभी तक जो हमने समझा, या हम जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे इलेवंथ में तो हम समझेंगे अंडर रूट माइनस टी, तो उस रूट्स को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी रूट्स, कि इमेजन कर लो, एक्चुअल में नहीं होती हैं, इमेजन ही कर सकते हो, बस ख्वाबों में ही होगी। तो हमने नीचे वाले पार्ट को आपके लिए टेंथ में इज़ नॉट रिक्वायर्ड, जहाँ d की वैल्यू अंडर रूट डी आ गई, तो यू विल से द रूट्स विल बी इमेजिनरी एंड वी डोंट नो द रूट्स वो क्या होंगे। वेयर एज इफ d इज़ पॉजिटिव यू ऑलवेज गेट टू डिफरेंट रूट्स, एंड इफ d इज इक्वल टू जीरो मीन्स बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू जीरो हुई, तो यू गेट सिमिलर रूट और सेम रूट्स। ये क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और दूसरा ये फॉर्मूला याद रखना है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स जो है ऐसी निकाल देती है कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी तो दो डिफरेंट रूट, नेगेटिव होगी तो कोई रूट नहीं, और जीरो होगी तो दो सिमिलर रूट्स। ये आपको बहुत बार आपके चैप्टर में आएगा, ओवर द ईयर्स आएगा, और ये हमने फॉर्मूला कैसे निकाला, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जो आपको आता ही है। ये कहाँ क्लियर होगा, सो वी विल टेक सर्टेन एग्जाम्पल्स, जब हम एग्जाम्पल्स लेंगे तब आपको अपने आप ही क्लियर होगा कि इस फार्मूला को यूज़ कैसे करते हैं, और जब आप बार बार यूज़ करोगे तो आपको याद हो जाएगा। सो लेट्स मूव फर्दर, सो द एग्जाम्पल इज लाइक दिस, एग्जाम्पल 10, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड द सिचुएशन इज लाइक दिस, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स is one more than twice its breadth, we need to find the length and breadth of the plot. तो हमको ये दिया हुआ है, इस टाइप का एक प्लॉट है जिसका एरिया है 520 मीटर स्क्वायर, सपोज वी अज्यूम द उसकी जो ब्रेथ है सपोज x है, सो लेंथ कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ प्लस वन, वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, दैट इज वट इज गिवन। सो द कंडीशन जो हमको जीती है या सिचुएशन जो दी हुई है वो ये दी हुई है, और इस तरीके से यदि सिचुएशन दी है किस शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में है या स्क्वायर भी होता तो क्या होता है, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू दिस, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमको मिली गई, और यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको मालूम है तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, और लेंथ एंड ब्रेथ के क्या हमको एक्स पता लगाना है, यदि एक्स मिल गया तो ब्रेथ मालूम चल गया, और ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वन विल बी द लेंथ, तो हमको दोनों चीज़ें मालूम चल सकती हैं। सो लेट्स सॉल्व दिस, फर्स्ट वी विल राइट वट एवर वी हैव सेड नाउ, तो वी राइट दिस वे, क्योंकि कहने से तो मार्क्स मिलेंगे नहीं, तो वी हैव टू राइट, सो लेट्स राइट, लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट बी एक्स मीटर्स, हमने अज्यूम किया था एक्स, तो एक्ज्यूम लिख लो, देन द लेंथ विल बी कितना होगा, टू एक्स प्लस वन मीटर, बिकॉज दिस इज वट इज गिवन, एंड इफ दिस इज द केस एंड दिस इज द रेक्टेंगल, द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू,
देन वी हैव गिवन दैट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू इज इक्वल टू दिस बिकॉज एरिया इज इक्वल टू लेंथ इन टू ब्रेथ. यहाँ लिखा नहीं है, इफ़ यू राइट इट इज ऑलवेज बेटर. अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. इट विल बिकम क्या हुआ, 2x² प्लस एक्स और माइनस 528 क्यों हुआ, क्योंकि मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिया, इज इक्वल टू जीरो. एंड दिस इज वॉट इज, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जनरल फॉर्म को यदि मैं देखूँ तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो. तो यहाँ पे आप a कंपेयर कर सकते हो, देखो a हो गया 2, दैट इज वॉट इज 2. b क्या हुआ, b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1. c क्या हुआ, द कॉन्स्टेंट टर्म इज माइनस 528 इज माइनस 528. तो हमको क्या मालूम होगा, a b एंड c ऑल द कोफिशियंट्स वी नो. इफ़ यू नो ऑल द कोफिशियंट वी नो दिस इज द जेनरिक फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और यदि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके हमको कोफिशियंट मालूम है तो हम इसके रूट्स इजीली पता लगा सकते हैं. और रूट किस फॉर्मूले से पता लगाते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दैट इज वट वी लर्न. एंड इफ वी नो दिस फॉर्मूला देन वी कैन से x इज इक्वल टू इन द प्रेजेंट केस b की वैल्यू कितनी है 1, तो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है 1 स्क्वायर प्लस 4a इंटू सी, क्योंकि ये प्लस क्यों हुआ, माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया, डिवाइड बाय 4. इसको थोड़ा सॉल्व किया तो कितना आ गया, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर वाले को मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 4225/4. एंड इफ़ यू नो द स्क्वायर रूट ऑफ 4225 तो आपको आंसर इजीली मिल जाएगा. तो आप इसको स्क्वायर रूट निकालना जानते हो तो निकाल लो. सो लेट्स राइट डाउन द स्क्वायर रूट इज 65. कैसे निकाला, 4225, आपको स्क्वायर रूट निकालनी आती थी. बाय द वे आप याद रखो ये 25 है तो लास्ट में तो 5 आना ही आना है, राइट. और 42 आना क्या चाहिए, 7 6 42. तो 7 6 42 है तो स्क्वायर रूट, जैसे 65 का स्क्वायर 5 का, मतलब कोई भी नंबर हो वो 115 हो, 5 हो, 25 हो, 95 हो, तो स्क्वायर रूट निकालने का क्या तरीका होता है, 5 जो लास्ट टाइम है उसका लिखते हैं 25, 5 5 25, और 6 को नेक्स्ट हायर डिजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 6 42. तो आपको ये 42 मालूम है तो ये 7 6 42 या 6 7 42 तो क्या आपको आएगा 65. डायरेक्टली आप लिख सकते हो, आपको स्क्वायर रूट वैसे याद करने की जरूरत नहीं थी लिखने की, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो. सपोज़ ये 95 होता तो यहाँ क्या होता, 95 यदि आता स्क्वायर रूट तो यहाँ क्या होता, 9 से नेक्स्ट नंबर क्या होता 10, 9 10 90, तो 9025 होता, तब स्क्वायर रूट 95 आता. 5 कहाँ से आया, 25 का, ये जो दो पेयर ले लो 25, और जो 90 होता 9 10 90, तो स्मॉलर वाले से हम लिख देते हैं हमेशा, क्योंकि हमने जब स्क्वायर रूट निकालते हैं इसका स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होता है नेक्स्ट हायर से मल्टीप्लाई करते हैं 7 6 42. क्लियर. तो ये तो जस्ट मैं आपको एक ट्रिक बता रहा था, बट इफ़ यू डोंट नो द ट्रिक यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट निकाला ही आ गया. इससे देखो एक्स की दो वैल्यू आ जाएगी, एक माइनस 1 प्लस 65 और एक माइनस 1 माइनस 65. सो लेट्स फाइंड आउट दोज वैल्यू ऑफ एक्स. तो एक में हम लिखेंगे 65 पॉजिटिव लिया था, माइनस 1 गया 64/4, और एक उधर माइनस 66/4. इनको फर्दर डिवाइड कर सकते हो, तो लेट्स डिवाइडेड. तो एक एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ 16, क्योंकि 16 4 64, और दूसरी वैल्यू क्या होगी माइनस 33/2, क्योंकि 100% एक दूसरे डिवाइड नहीं हुआ, 2 से ही हुए खाली. तो वी गेट टू वैल्यूज ऑफ एक्स. अब क्योंकि हमारा ये एरिया है, ये एरिया में एक ब्रेथ है, मीन से उसकी एक साइड है, तो साइड नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम एक रेक्टेंगुलर प्लॉट घर बना रहे हैं, उसके लिए प्लॉट है, तो ये नेगेटिव तो हो नहीं सकती. तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव. दैट मीन्स वी विल राइट दैट सिंस एक्स कैन नॉट बी नेगेटिव बीइंग अ डायमेंशन द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इज 16 मीटर, एंड इफ दिस इज 16 मीटर हैंस द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज कितना होगा 33 मीटर. क्यों, 2x + 1, 16 2 32 + 1 33 meters. सो दिस वे वी कम टू नो कि एक सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंपल ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके वी फाउंड द रूट्स. तो देखो हमने क्या सीखा पूरे अभी इस चैप्टर में, ना हमने फैक्टराइजेशन किया, ना हमने स्क्वायर वाला मेथड यूज़ किया, हमने डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करके वी फाउंड आउट द रूट्स. और रूट मिल गई तो हमको जो भी इक्वेशन थी या सिचुएशन थी उसकी वैल्यूज़ मिल गई. इस केस में हमको लेंथ और ब्रेथ पता लगाने दोनों हमको मिल गए. सो दिस वे वी सॉल्व इट. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, इससे थोड़ा सा और क्लियर होगा, क्योंकि जितना करोगे ना उतना ही फ़ायदा होगा. तो दिस इज एग्जांपल 11. फाइंड टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हूज स्क्वायर इज 290. क्या दिया हुआ है आपको, लेट्स राइट डाउन. फाइंड टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, कंसेक्यूटिव मीन्स लगातार एक के बाद एक, ऑड पहली बात ऑड होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए और इंटीजर होने चाहिए. तीन चार कंडीशन है,
कि दो कंसेक्यूटिव मीन सात सात वाले नंबर ऑड हो, पॉजिटिव हो और इंटीज हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, तो 1 और 3 क्या हुआ, कंसेक्यूटिव ऑड हो गए, पॉजिटिव भी हो गए, इंटीजर भी हो गए, बीच में 1, 2 आया, 2 नहीं ले रहे हम, 1 और 3 बोथ आर ऑड, दैट मीन्स इनके बीच में एक इवन है, तो कंसेक्यूटिव है, ऑड है, पॉजिटिव है, इंटीजर है, ऐसे दो नंबर लेने हैं। तो लेट्स अज्यूम कि लेट्स अज्यूम कोई एक एक को अज्यूम कर लें, अब ऑटोमेटिकली हम दूसरा निकाल सकते हैं। सो सपोज लेट द स्मॉल ऑफ द टू कंसेक्यूटिव नंबर, टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज एक्स, यदि ये एक्स है तो दूसरा वाला क्या होगा, एक्स प्लस टू होगा, क्यों होगा, क्योंकि बीच में एक नंबर और आएगा, तभी तो आएगा, एक ऑड के बाद फिर एक इवन आता है, एक ऑड इवन ऑड ऐसे ही चलता है, तो हमको दोनों नंबर मालूम चल गए, एक एक्स है, दूसरा क्या हो गया, एक्स प्लस टू, तो कंसेक्यूटिव हो गए, पॉजिटिव हो गए, इंटीजर हो गए। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में एक और चीज है, सम ऑफ हूज स्क्वायर इज 290, इनके स्क्वायर का जो सम है वो 290 है, तो राइट इट डाउन, तो सम ऑफ स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर इज 290, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेट्स यूज द फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहा, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2, 2 to the 4, 4x प्लस 2 का स्क्वायर इज 4 इज इक्वल टू 290, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हुआ 2x स्क्वायर प्लस 4x, और इसको यहाँ लिया तो कितना बचा माइनस 286 इज इक्वल टू 0। आप चाहो तो इसको पूरे को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि सब में देखो इवन नंबर है, तो लेट्स डिवाइड इट, वी कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज वट इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स। और यदि आपको एक्स की वैल्यू पता लगानी है, क्योंकि एक एक्स मालूम चल गया तो अगला नंबर मालूम चल जाएगा, तो हमने क्या करना है आपको, ना हमको फ्रैक्शनलाइजेशन यूज करना है, फैक्टराइजेशन, ना हमको कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड यूज करना है, हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे। एंड फॉर्मूले के लिए क्या मालूम चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि है तो ए बी सी कोफिशिएंट मालूम हो तो हम रूट पता लगा सकते हैं। सो लेट्स राइट डाउन, सो यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वी गेट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस बी मीन्स दिस माइनस टू बी कैट टू, तो माइनस बी माइनस टू प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन्स 2, 2 जो 4 स्क्वायर, और फिर क्या होता है अंदर माइनस 4ac, तो एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4ac मल्टीप्लाई होगा 527। तो हम थोड़ा शॉर्टकट में आपको दिखा रहे हैं, बट वी यूज दैट फॉर्मूला, डिवाइड बाई 2a, 2 ट्वाइस ऑफ a कितना था 1, तो हो गया, इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे इतना आ गया। अब 576 आपको यदि याद है स्क्वायर रूट, तो आपको यदि स्क्वायर से याद है तो आप इजीली स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। तो ये किस नंबर का स्क्वायर है आपको मालूम है, नहीं मालूम है तो स्क्वायर रूट निकालो यार, वैसे आपको ना अप टू एटलीस्ट अप टू 35 तक स्क्वायर नंबर याद होने चाहिए, यदि आपको याद होता तो यू विल से इट इज़ स्क्वायर ऑफ 24, तो मीन्स 24 × 24 मैं लिख दूँ तो स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 24 ऑफ दिस नंबर। तो नाउ अब हमारे पास एक्स की दो वैल्यू होगी, माइनस 2 प्लस 24 माइनस 2 माइनस 24 डिवाइड बाई 2, तो राइट इट डाउन। सो एक से हमारी वैल्यू एक्स आ गई, एक से वैल्यू माइनस 13 आ गई, तो हमको एक्स के दो नंबर मिल गए, एक 11 एक माइनस 13, पर हमको नंबर एक्स क्या चाहिए, पॉजिटिव ऑर्डरिंग चीज, तो ये नेगेटिव वाला हो ही नहीं सकता, तो हम पॉजिटिव की बात करें तो एक्स इज आंसर इज एक्स इज 11, राइट, एंड इफ इट इज 11 तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, इट विल बी, वी विल राइट इट विल बी 13, क्योंकि एक्स प्लस 2। सो दिस वे वी सॉल्व एंड वी गॉट द आंसर कि हमारे टू कॉन्जिक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर जिनका सम इतना होता है वो होंगे 11 और 13। दिस वे वी सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट। आप इसको चेक भी कर सकते हो कि जो हम बोल रहे हैं वो करेक्ट नहीं है, तो आप क्या करो 11 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर निकालोगे 121, 116, ये आपको याद होने चाहिए, मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन करने मत बैठ जाना। अब इन दोनों को ऐड कर लो, इट्स 290 एंड दैट इज़ व्हाट वाज टोल्ड। सो हमने जो सॉल्यूशन निकाला 11 और 13, इट इज़ 2, दैट मीन्स वी हैव वेरीफाइड इट और चेक्ड इट। इसको करने में 2 मिनट लगते हैं, माइंड में भी कर सकते हैं, लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो उन्होंने पूछा ही नहीं, वेरीफाई करो, बट माइंड में आप कर सकते हैं, 11 में 121, 169 रफ में लिखो एंड यू सॉल्व इट। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 12, अ रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ, इस एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ द पार्क दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ एन आइसोसेलीस ट्रायंगल विद इस बेस एज ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क एंड ऑफ अल्टीट्यूड 12 मीटर्स, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। कोई समझ में आया, नहीं आया कोई बात नहीं, अब हम क्या करते हैं एक एक सेंटेंस पढ़ेंगे और साथ में डायग्राम बनाएंगे, तब अपने को क्लियर होगा। तो लेट्स स्टार्ट,
सो अ रेक्टेंगुलर पार्क, तो दिस इज सपोज अ रेक्टेंगुलर पार्क, ये बनाना है हमने, डिज़ाइन कर लिया, जिसकी ब्रेड जो होगी इज 3 मीटर लेस देन इज लेंथ। सपोज उसकी ब्रेड सपोज हम मान लेते हैं एक्स है, तो लेंथ कितना होगी उससे 3 मीटर ज़्यादा, ये दोनों में 3 मीटर का डिफरेंस है। तो फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट कि हमने एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाया जिसमें ब्रेड तो लेंथ के बीच में 3 मीटर का डिफरेंस है, नेचुरली ब्रेड कम होगी लेंथ ज़्यादा होगी तो एक्स प्लस थ्री, ये हमने एज्यूम किया, ये उसकी लेंथ ऑटोमेटिकली आ गई। ओके आगे इट्स एरिया मीन्स ये जो एरिया है इज 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ अ पार्क दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ आइसोसेलीस ट्राइंगल। मीन्स एक पहले से एक आइसोसेलीस ट्राइंगल शेप में पार्क बना हुआ है, उसका जो एरिया है उससे इस ग्रीन वाले का एरिया 4 मीटर स्क्वायर ज़्यादा है। मीन्स इस ट्राइंगल का एरिया प्लस 4, तो दैट मीन्स दिस इज द टोटल एरिया। ओके और भी कुछ दिया हुआ है कि ये जो आइसोसेलीस ट्राइंगल है ना विद इट्स बेस एज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, मीन्स इसका जो बेस है जैसे हमने बनाया है ये इसके ऊपर बिल्कुल मैच कर रहा है, मीन्स इसकी ब्रेथ से ट्राइंगल का बेस मैच कर रहा है। और बेस क्या होता है ट्राइंगल का, एक बॉटम वाली साइड, तो ट्राइंगल का बेस और इस रेक्टेंगुलर पार्क का की ब्रेथ बराबर है, दैट इज व्हाट इज गिवन, एंड ऑफ अल्टीट्यूड 12 मीटर। ये आइसोसेलीस ट्राइंगल मीन्स क्या हुआ, ये दोनों साइड बराबर, और इसकी अल्टीट्यूड क्या होता है मीन्स वर्टिकल हाइट, दैट इज़ अल्टीट्यूड। और यदि मैं वर्टिकल हाइट ड्रॉ करूँगा तो क्या होगी, वो ऑलवेज विल बी ऑफ 90 डिग्री, तो मीन्स दिस इज वर्टिकल हाइट एंड दैट इज़ वॉट इज कॉल्ड अल्टीट्यूड। कितनी वैल्यू दी है 12 मीटर, सो हमको ये 12 मीटर दी हुई है। अब नाउ इफ दिस फिगर यू हैव मेड प्रॉपरली, नाउ यू हैव टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। अब आपको एक्स और एक्स की वैल्यू निकाली है, तो एक्स निकालोगे तो एक्स प्लस थ्री लेंथ होगी, लेंथ ब्रेथ निकल जाएगा, ये आपको सब चीज़ दिए हुए हैं। आपको एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना आता है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल निकालना आता है, दोनों के बीच में रिलेशन दिए, सारे फार्मूला मालूम है, यू कैन ड्रॉ इट, सो यू मतलब यू कैन सॉल्व इट, तो लेट सॉल्व इट। सो वील राइट दिस वे, लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क बी एक्स मीटर, बट दैट इज वट वी अज्यूम नाउ, सो इस लेंथ विल बी एक्स प्लस 3 मीटर्स, करेक्ट। ओके देयर फॉर द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इतना होगा, इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, एक्स प्लस 3x इतने मीटर स्क्वायर, तो इस ग्रीन वाले का एरिया मालूम चल गया। ओके और क्या दिया हुआ है, नाउ द बेस ऑफ द आइसोसेलीस ट्राइंगल कितनी होगी, x मीटर, क्योंकि ये ट्राइंगल क्या है इसी के ब्रेथ के बराबर है, तो ये x मीटर है, दैट मीन्स आई नो द x इसकी हाइट, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालेगा, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल विल भी कितना होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इज x, हाइट इज 12, दैट इज 6x मीटर स्क्वायर। तो ये इतना मल्टीप्लीकेशन है उसमें थोड़ा कन्फ्यूज में होता, तो या तो आप डॉट लिख लिया करो, जब भी आप x लिख रहे हो तो इट्स ऑलवेज बेटर टू राइट डॉट, तो 6x मीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल भी आ गया। अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन दी कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 4 प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो इनके बीच में लिख दो, तो अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट x square plus 3x क्या है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल पार्क इज इक्वल टू 6x plus 4, दैट इज 4 प्लस ट्राइंगल का एरिया, दैट इज वट इज गिवन। अब हमारे देखो एक ये क्वेश्चन बन रही है, अब इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं, एक साइड में लिया, तो वट वी हैव इज x square minus 3x minus 4 इज इक्वल टू 0, एंड नाउ वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड इफ वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। हमको देखो कोफिशिएंट मालूम है, a मालूम है, -3 मीन्स b मालूम है, -4 मीन्स c मालूम है, और हमको फार्मूला भी मालूम है, तो वी कैन सॉल्व इट बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। व्हाट वी विल गेट, x इज इक्वल टू -b + -b² - 4ac, उसको आप सॉल्व करोगे तो कितनी वैल्यू होगी, 25 डिवाइड बाय 2a, a इज 1, 2, अब इससे x की दो वैल्यू आ गई, सॉल्व इट, 25 का स्क्वायर क्या था, 5 का स्क्वायर होता है, दैट इज स्क्वायर रूट कितना होगा, 5, और x विल बी कितना, आइदर इट इज 4 और x इज इक्वल टू -1। अब विड्थ है, हमने एरिया बनाना था, पार्क बनाना था, तो माइनस तो हो ही नहीं सकती, सो वी विल राइट कि बट एक्स कैन नॉट बी 0, वाई, बिकॉज ये हमारे नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, नहीं तो गार्डन बनेगा ही नहीं, हमारा पार्क बनेगा ही नहीं, देयरफॉर एक्स इज ऑलवेज 4, एंड इफ एक्स इज 4 तो लेंथ कितनी होगी, उससे 3 ज़्यादा, दैट मीन्स लेंथ विल बी 7, सो वी विल राइट द ब्रेथ ऑफ द पार्क इज 4 मीटर एंड इस लेंथ विल बी 7 मीटर। सो दिस वे वी हैव सॉल्व दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। आपने क्या किया, अपने 9th क्लास में जो एरिया पढ़ा था, लेंथ इंटू ब्रेथ वो यूज़ किया, ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज़ किया,
और जो इक्वेशन दी हुई थी उसको प्रॉपरली एक शेप में लिखा। जब आपने एक प्रॉपरली शेप ड्रॉ कर ली तो आपने आधा क्वेश्चन तो वहीं सॉल्व कर लिया, बाकी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, आपने सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला यूज़ किया एंड यू गेट द आंसर। तो है ना कितना इजी। ओके, एग्जांपल 13, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? ये फार्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मीन्स आप डायरेक्ट इनकी रूट्स निकाल सकते हो, एंड इफ दे एग्जिस्ट दैट मीन्स हमको जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac को पहले चेक करना है, यदि उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी तो इनकी इमेज कोई रूट नहीं होगी, यदि जीरो होगी तो सेम होंगी, और इफ इट इज़ ग्रेटर देन जीरो तो मीन्स टू डिफरेंट रूट्स होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, वी विल सॉल्व दिस वे। द फर्स्ट वन गिवन इज 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें हेयर ए बी सी क्या है? 3 माइनस 5 एंड 2, तो राइट इट डाउन 3 माइनस 5 एंड 2। एंड इफ इट इज 2 तो पहले क्या करना है? एग्जिस्ट करनी है कि नहीं करना है, तो डिस्क्रिमिनेंट को देखना है हमको। तो डिस्क्रिमिनेंट इज वट? बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू जो ए बी सी रिहा डाला, तो वट वी गेट इज 1, एंड 1 इज ग्रेटर देन 0, एंड इफ इट इज ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स हमारी रूट्स कितनी आएंगी? टू डिफरेंट रूट्स आएंगे। तो फाइंड आउट द रूट्स, कौन सा फार्मूला? ये वाला फार्मूला यूज़ किया। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 अपॉन 6। ये 1 क्यों लिखा? क्योंकि हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया था, डायरेक्ट 1 वैल्यू लिख दी। इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 1 इज 1, 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 6, तो एक में ऐड होगा एक में माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, दो वैल्यू आ गई, रूट्स निकल गई दोनों, एंड बोथ आर डिफरेंट। लेट्स टेक द सेकेंड वन। सो और सेकेंड वन लेने से पहले हमको ये लिखना पड़ता है, सो द रूट्स आर 1 एंड 2 बाई 3। नाउ टेक्स द सेकेंड वन, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ए बी सी कितना है? 1 प्लस 4 प्लस 5, तो राइट इट डाउन। बी स्क्वायर माइनस 4ac इसमें भी निकाल लो, तो कितनी वैल्यू आई? माइनस 4, विच इज़ लेस देन 0। जब लेस देन 0 है तो हम क्या बोलते हैं? सिंस द वैल्यू ऑफ डी और डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, देयरफोर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल नॉट हैव एनी रियल रूट्स, या रियल नहीं होंगे तो क्या बोलते हैं हम? इमेजिनरी रूट्स होंगे, जो हमको 11th क्लास में पढ़ेंगे आप, अभी जरूरत नहीं है। दैट मीन्स वी आर सिंपली से दे आर नॉट, देर इज नो रूट और नॉट हैविंग एनी रियल रूट्स। लेट्स टेक द थर्ड वन, 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 1, हेयर ए इज वट? 2, बी इज वट? माइनस 2 रूट 2 और सी इज वट? 1, तो लेट इट डाउन। ए बी सी है तो हमको क्या निकालना है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट क्या है? 8 माइनस 8, अल्टीमेटली 0। इफ इट इज़ 0 मीन्स डी की वैल्यू 0 होगी, तो रूट क्या बताती है? माइनस बी अपॉन 2 है, और दोनों कैसे होंगे? सिमिलर रूट्स, तो माइनस बी अपॉन 2 है आप निकाल लो। तो आप यहाँ पे 0 लिखोगे, ऐसे लिखना है तो लिख लो, पहले ही 0 आ गया था, दैट मीन्स 2 रूट 2 अपॉन 2, क्योंकि 2 2 कट गया, तो इट कैन बी रिटर्न एज x इज इक्वल टू हाफ 1 अपॉन रूट 2। तो एक x की वैल्यू होगी तो दूसरी रूट भी क्या होगी? सिमिलर। सो द रूट्स आर 1 बाई रूट 2 एंड 1 बाई रूट 2। जी हमको लिखना होगा, यदि ये नहीं लिखना तो मैडम आपके हाफ मार्क्स काट लेंगे, ये याद रखना। ओके, वेरी गुड। एग्जाम्पल 14, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। एक ये इक्वेशन दी है, x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 3, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों दिया ऐसे x नॉट इक्वल टू 0? बिकॉज 1 अपॉन x यदि ये 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनट, इसलिए ये दिया हुआ है, इसका अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। सिमिलरली अनदर सेकेंड वन क्या दिया? 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 3, एंड दे आर सेइंग x इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 हो गया तो इनफाइनट हो जाएगा, एंड x इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 2, क्योंकि यदि ये 2 हो गया तो x 2 माइनस 2 ये 0 हो जाएगा, इसलिए ये दो कंडीशन दिए हैं, इनका अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। और हमको रूट जब निकालनी है इक्वेशन की तो कौन सा फॉर्मूला याद रखना है? हमको ये क्वाड्रेटिक फार्मूला याद रखना है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, वेयर ए बी सी क्या है? आर द कोफिशियंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले इन इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में तो लिया, तो लेट्स राइट डाउन, कैसे लिखते हैं हम? वी राइट दिस वे, व्हाट इज गिवन इज दिस, x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3। अब x x को मल्टीप्लाई कर दो, नीचे एलसीएम x ले लो, तो वी कैन राइट दिस वे, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x, और इसको भी एक साइड लिया तो इट कैन बी रिटर्न एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज नाउ व्हाट वी हैव इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फार्मूला हमें मालूम है, कोफिशिएंट क्या है? 1 माइनस 3 एंड 1, दैट मीन्स ए बी सी हमें मालूम है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? रूट्स इजिली, यूज दिस फार्मूला।
So by which is a quadratic equation, therefore where a b c is equal to this, and if that is the case, तो पहले क्या, सबसे पहले फॉर्मूला को यूज़ करने पहले क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकाल लो. उससे ये मालूम चल जाता है कि इसकी रूट निकालनी है कि निकालनी है. तो बिकॉज इट इज़ वैल्यू इज़ फाइव विच इज़ ग्रेटर दैन जीरो, दैट मीन्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की या इस इक्वेशन की टोटल कितनी रूट्स होंगी, दो, टू डिफरेंट रूट्स होंगी. एंड क्या होंगी, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट फाइव अपॉइंट टू, और b क्या पहले ही माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस थ्री अंडर रूट, और ये हमने d निकाल लिया था अंडर रूट ऑफ फाइव अपॉइंट टू. अंडर रूट ऑफ फाइव की तो यही रहती है, तो x की क्या दो वैल्यू हो जाएगी. सो द रूट्स आर x इज इक्वल टू थ्री प्लस रूट टू अपॉइंट फाइव एंड थ्री माइनस रूट टू रूट फाइव अपॉइंट टू, यही चीज़ हो गया. सो दिस वे वी हैव सॉल्व द फर्स्ट इक्वेशन. लेट्स सॉल्व द सेकेंड इक्वेशन. ये दिया हुआ है, ओके, इसको ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई करो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन को थ्री से मल्टीप्लाई करो. सो दिस कैन बी रिटर्न एज, वी कैन राइट x माइनस टू माइनस एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस टू. दिस कैन बी रिटर्न दिस वे. क्या किया हमने, x और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऐसे ऊपर चला जाएगा, ये तो आपको ही आता ही है, आपने बहुत बार किया. नाउ लेट्स इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो x माइनस टू माइनस एक्स ये तो ऐसे ही रहना था, ये x और ये माइनस एक्स कट जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स. तो राइट इट डाउन, तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बताता है, माइनस टू, माइनस टू इस साइड चला गया, क्या बिल्कुल प्लस टू, इट विच इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ए बी सी यहाँ पे हमको मालूम चल गया, तो विल राइट हेयर ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू माइनस सिक्स, सी इज इक्वल टू टू, एंड इफ दिस इज द केस वी कैन फाइंड आउट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. सो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इस केस में क्या है, ट्वेल्व विच इज़ ग्रेटर दैन जीरो. इफ विच इज़ ग्रेटर दैन जीरो दैट मीन्स देर आर टू वैल्यूज ऑफ एक्स, दो रूट्स होंगे, देयर फोर एक्स की क्या वैल्यू हो गई, सिक्स माइनस बी, ये माइनस बी लिखते हैं, माइनस ये पहले से, तो प्लस सिक्स प्लस अंडर रूट ट्वेल्व क्योंकि दिस इज डी अपॉन सिक्स, टू ए, टू ए क्योंकि टू ए क्या है, थ्री, थ्री टू सिक्स. एक्स की वैल्यू क्या होगी, सिक्स प्लस अंडर रूट ट्वेल्व अपॉन सिक्स, और दूसरा क्या होगा, सिक्स माइनस अंडर रूट ट्वेल्व अपॉन सिक्स, तो उसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ट्वेल्व को भी इन्होंने और सिंप्लीफाई कर दिया, फोर थ्री जो ट्वेल्व, तो टू बाहर आ गया, टू रूट थ्री ऐसे लिख सकते हैं, और इट कैन बी रिटर्न एस. अब हर एक से टू टू बाहर निकाले, थ्री प्लस माइनस रूट थ्री अपॉन थ्री, देयर फोर द रूट्स आर थ्री प्लस अंडर रूट थ्री अपॉन थ्री एंड थ्री माइनस अंडर रूट थ्री अपॉन थ्री. तो दिस वे वी हैव सॉल्व दीज टू इक्वेशन बाई यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला. तो हमने इक्वेशन को कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करके देखा कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी तो हमने उसका डिस्क्रिमिनेंट देखा, इफ़ इट इज़ ग्रेटर दैन जीरो तब उसकी रूट्स को हमने निकाला, यदि यदि वो लेस दैन जीरो होता तो हम बोलते हैं उसकी रूट्स होंगी ही नहीं, इमेजिनरी रूट होंगी, रियल रूट तो होंगी ही नहीं. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 15. अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स वन आवर मोर टू गो टू 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम then to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. कहने का मतलब क्या है, एक नाव है या बोट है जिसकी स्पीड स्टिल वाटर में, मतलब रुके हुए पानी में, तो इतनी स्पीड है, पर जब वो चलते हुए पानी में चलती है, मतलब नदी में चलती है, तो पहले तो ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है सेम स्पॉट पे. आने और जाने में उसके देर इज़ अ डिफरेंस ऑफ वन आवर. नेचुरली ऊपर जाने में, अप स्ट्रीम जाने में टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि नदी नीचे जा रही है एंड उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में बोट जा रही है. तो मीन्स पहले ऊपर जाने में उसको टाइम ज़्यादा लगेगा और नीचे आने में तो फटाफट आ जाएगी, राइट. तो आने का टाइम कम लगेगा, जाने का टाइम लगेगा, तो दोनों में डिफरेंस वन आर का है. तो सिचुएशन दी हुई है, वी हैव टू फाइंड द स्टीम, स्पीड ऑफ द स्टीम, जिस नदी में चल रही है वो जो स्टीम जिसमें चल रही है नाव, उसकी स्पीड पता लगानी है. तो क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल, और फार्मूला क्या यूज़ करना है याद रखना, हमको ये फार्मूला यूज़ करना है. व्हाई आई एम शोइंग यू दिस, बिकॉज वी आर रीडिंग और लर्निंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दैट डेफिनेटली जब भी एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी बनेगी, इसलिए मैं बार बार आपको ये फार्मूला दिखा रहा हूँ. अदरवाइज यू हैव टू थिंक, जब आपके एग्जाम में आएगा कि ये चैप्टर फोर से आया है, थ्री से आया है, टू से आया है, तो अकॉर्डिंगली आपको देखना होगा. तो लेट्स वी विल राइट दिस वे, लेट द स्पीड ऑफ द स्टीम बी एक्स किलोमीटर पर आवर. और ये मैंने आपको बार बार बताया, जिस चीज़ को हमको निकालना होता है उसी को अज्यूम कर लेते हैं हम. तो वी अज्यूम द स्पीड ऑफ द स्टीम बी एक्स किलोमीटर पर आर. किलो, इसमें एक चीज़ याद रखना कि स्पीड बहुत बार हो सकता है कि इसकी किलोमीटर पर आर में हो और यहाँ पे वो स्पीड किसी और चीज़ में पूछे, या डिस्टेंस जो है किलोमीटर में देके मीटर में दे दे, तो वो आपको ध्यान रखना है कि वो कन्फ्यूज़न ना, फिजिक्स के क्वेश्चन में ऐसा बहुत होता है, तो मैथमेटिक्स में भी ऐसा होता है,
यूनिट इज इम्पॉर्टेंट. ओके, लेट द स्पीड ऑफ द स्टीम बी एक्स किलोमीटर पर आवर. यदि ये एक्स किलोमीटर पर आवर है तो डाउन स्टीम और अप स्टीम की हम निकाल सकते हैं मोटर बोट की, क्योंकि स्टील में 18 है. तो वी विल राइट देयरफॉर द स्पीड ऑफ द बोट इन अप स्टीम इज, ऊपर जाते समय क्या होगा, 18 माइनस एक्स, क्योंकि नदी की स्पीड माइनस करनी पड़ेगी क्योंकि स्लो हो जाएगी स्पीड ऊपर जाने में. एंड सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू डाउन स्टीम टाइप द स्पीड विल बी 18 बोट की स्पीड प्लस नदी की स्पीड स्टीम की स्पीड 18 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर. तो हमको दोनों स्पीड मालूम चल गए. अब क्या दिया हुआ है, स्पीड नहीं हमको दिया हुआ है टाइम. मीन्स जितना डिस्टेंस ऊपर गया उतना ही डिस्टेंस वापस आया. दैट मीन्स ऊपर जाने में डिस्टेंस और नीचे आने में डिस्टेंस तो सेम है बट टाइम डिफरेंस है. तो वी कैन फाइंड आउट टाइम. यदि हमको स्पीड दी हुई है, कैन वी फाइंड आउट टाइम? यस वी कैन से द टाइम टेकन टू गो अप स्टीम इज इक्वल टू कितना होगा. टाइम क्या होता है, कोई भी टाइम निकालना है, इस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या स्पीड का फॉर्मूला याद है डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो हमने यहाँ लिख दिया टाइम को ऊपर लगे स्पीड को नीचे लिया. हमको डिस्टेंस दोनों के केस में सपोज सेम ही है. सो और वो कितना डिस्टेंस दिया हुआ है, 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया था. तो 24 डिवाइड बाई स्पीड 18 माइनस एक्स, तो ये तो क्या होगी ऊपर जाने की स्पीड. नीचे जाने का टाइम कितना लगेगा, सेम वे में वी कैन राइट डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस अपॉन पॉइंट 24 अपॉन 18 प्लस एक्स. अब ये वाला टाइम ऊपर जाने का टाइम ज़्यादा लगेगा, नीचे आने का कम लगेगा. दैट मीन्स दिस माइनस दिस इज इक्वल टू कितना, 1 बार. तो वी कैन राइट दिस वे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन गिवन. वी राइट 24 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस दिस मीन्स नीचे आने का टाइम कम टाइम लगा इज इक्वल टू 1 आवर. अब ये हो गया, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. सो लेट सॉल्व इट. 18 माइनस एक्स 18 प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे इससे मल्टीप्लाई करो और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को राइट साइड में आ जाएगा. तो डू इट. सो इट विल बिकम लाइक दिस. और इसको भी सॉल्व कर लो, इट विल अल्टीमेटली फॉर्म, यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल टू 0. एंड दिस इज व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो ए बी सी कोफिशिएंट मालूम है, हमको ये मालूम है, तो वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स और द रूट ऑफ दिस. सो लेट्स फाइंड आउट. तो वी कैन राइट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो ये फार्मूला दिया हुआ है, व्हाट वी विल गेट एक्स इज इक्वल टू माइनस 48 क्यों लिखा, बी की वैल्यू कितनी 48, फॉर्मूले में माइनस बी लिखना होता है, तो माइनस 48 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 48 स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए इंटू सी, वो हमने पहले ही मल्टीप्लाई कर लिया, इज 1296. और ऑलवेज बेटर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4 इसकी वैल्यू आप अलग से निकाल लो, सो दैट इसको लिखते समय कन्फ्यूजन नहीं होता बहुत बार. क्लियर है? कोई बात नहीं, हम ऐसे लिख चुके हैं तो इट्स ओके. लेट्स सॉल्व इट. वी गेट माइनस 48 प्लस माइनस अंडर रूट 3600. 36 क्या होता है, 6 का स्क्वायर और ये 100 मीन्स 10 का स्क्वायर. तो मीन्स हम इसको 60 लिखा सकते हैं बाहर. तो माइनस 48 प्लस माइनस 60 डिवाइड बाई 2. अब इसको और सॉल्व कर लो, माइनस 48 प्लस 60 और माइनस 48 माइनस 60, दो आंसर है. तो x की वैल्यू दो आ गई, x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू माइनस 50. व्हाट इज x, स्टीम की स्पीड. अब स्टीम की स्पीड नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, तो नेगेटिव नहीं हो सकती, राइट इट डाउन. सिंस द x इज द स्पीड ऑफ द स्पीड, इट कैन नॉट बी नेगेटिव. इफ इट इज नॉट नेगेटिव, बचा क्या 6. सो x स्टीम की स्पीड कितनी होगी, वी इग्नोर द रूट, इग्नोर द रूट, जो आंसर आया एक्स की वैल्यू मीन्स ये वाली रूट ही तो है, तो एक्स की इसको इग्नोर कर देते हैं. एंड द अदर जो एक्स की स्टीम वैल्यू है एक्स इक्वल टू 6 गिव्स द स्पीड ऑफ द स्टीम 6 किलोमीटर पर एंड दैट इज व्हाट वी वर सपोज टू फाइंड. तो पता लग गया. तो देखो कितना ईजी है. तो हमने सिचुएशन को कन्वर्ट कर लिया, एक इक्वेशन फॉर्म है, इक्वेशन हमको फाइनली सॉल्व की तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का रूट पता लगाने का तरीका हमें मालूम था, क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसको हमने यूज़ किया एंड वी फाउंड द वैल्यू ऑफ स्टीम, ये स्पीड ऑफ द स्टीम निकल गया. एग्जाम्पल नंबर 16, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स. तो ये तो हम इतने सारे सॉल्व कर ही चुके हैं, तो ये तो बहुत ही ईजी है. क्या फार्मूला यूज़ करना है हमको, ये फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसमें निकालना है क्या, रूट्स नहीं निकालने, ये सिंपल बोला है, पहले डिस्क्रिमिनेंट बता लगाओ. डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज द डिस्क्रिमिनेंट. तो पता लगाओ, ए बी सी हमें मालूम है, ए क्या 2, बी इज माइनस 4, सी इज 3. तो राइट इट डाउन दैट वे. सो सॉल्यूशन हम ऐसे लिखेंगे, द गिवन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स वी आर सेइंग द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हेयर ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू माइनस 4, सी इज इक्वल टू 0.
देयरफॉर द डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है, उसकी वैल्यू निकाल ली। इसको सॉल्व करोगे बट यू विल गेट 16 माइनस 24, और सॉल्व करोगे क्या माइनस 8 विच इज़ लेस देन 8। इफ़ द डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू इज़ लेस देन 0, वी से कि इसकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी जो रूट्स क्या होंगी, रियल नहीं होंगी। दैट मीन्स रूट यदि होंगी तो क्या होंगी, इमेजिनरी होंगी। पर क्योंकि हम अभी इमेजिनरी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, तो वील राइट दिस वे, सिंस द गिवन इक्वेशन और द गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स बिकॉज द डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन इज नेगेटिव और लेस देन जीरो। क्लियर, सो वी हैव सॉल्व दिस इक्वेशन। सो एग्जाम्पल नंबर 17, अ पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर इन सच अ वे दैट द डिफरेंस ऑफ इज डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट फिक्स गेट्स ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर्स। इज इट पॉसिबल टू डू सो? इफ़ येस, एट वट डिस्टेंस फ्रॉम टू गेट्स शुड द पोल बी इरेक्टेड? तो ये आपको एक सिचुएशन दी हुई है, और जब भी कोई सिचुएशन दी होती है, इट्स ऑलवेज बेटर टू ड्रॉ वट डायग्राम, जो दिया हुआ है उसको डायग्राम बना लो, क्योंकि इसमें डायग्राम के बारे में कुछ कुछ बता रहा है। तो हम ऐसे ही लिखेंगे, वी विल राइट लेट्स फर्स्ट ड्रॉ द डायग्राम। तो डायग्राम हमारा कुछ ऐसा होगा, कैसे बनाया हमने, एक सर्कल, क्या है सर्कुलर पार्क है, डायमीटर उसकी 13 है, तो दिस इज़ द डायमीटर। दो उस पर गेट लगे ए एंड बी, ए बी एंड बी में दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट है, मीन्स एक डायमीटर के इधर है एक इधर है, किसी को भी ए बोल दो किसी को बी बोल दो। अब इस डायमीटर पे कहीं पे हमने एक पोल डब लगाया, वो इस साइड हो सकता है इस साइड हो सकता है, डजेंट मैटर, पर वो होगा सेमी सर्कल में किसी एक साइड ही होगा। ये सपोज पी पे हमने वो पॉइंट पे पोल लगा दिया, अब वो क्या बोल रहा है कि इसका डिस्टेंस, पी का डिस्टेंस जो किसी भी गेट से लोगे, इस गेट से लोगे और इस गेट से लोगे, दोनों के डिफरेंस डिस्टेंस डिफरेंट है, और उसमें जो डिफरेंस है दैट इज़ 7 मीटर, राइट? क्या ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है? तो वो भी हमें पता लगाना है, और यदि पॉसिबल है तो हमें पता लगाना है ये पॉइंट पी किसी भी गेट से कितनी दूरी पर होगा, ए गेट से और बी गेट से रेस्पेक्टिवली। किसी एक गेट से मालूम चल गया, दूसरे से अपने आप ही क्या होगा, 7 मीटर या तो कम होगा या ज़्यादा होगा, इतना ही होगा, क्योंकि दोनों में डिफरेंस इतना है। सो लेट्स राइट दैट वे। सो लेट पी बी द रिक्वायर्ड लोकेशन ऑफ द पोल, दिस इज़ अ पोल एंड दिस इज़ अ रिक्वायर्ड लोकेशन, एंड इफ दिस इज़ अ रिक्वायर्ड लोकेशन वी कैन से लेट द डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम द गेट बी बी एक्स मीटर। सपोज बी से पोल का डिस्टेंस कितना है, एक्स मीटर है, एंड इफ दिस इज एक्स मीटर्स देन बी पी इज इक्वल टू एक्स मीटर, मीन्स बी पी यहाँ से लेके इसका एक्स बोल सकते हैं, ओके? दैट मीन्स नाउ द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम टू गेट्स, ये हमको दिया हुआ ए पी माइनस बी पी, मीन्स यदि ए पी ये डिस्टेंस है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस, या उल्टा बोलो ये बड़ा है और ये छोटा है, या उल्टा भी हो सकता है, ये पॉइंट यहाँ होता है इस जगह में, तो बी पी माइनस ए पी, बट जो भी है दोनों किसी भी एक कंडीशन में ले लो, किसी को मान लो इसी को हम डायग्राम को फिक्स मान के चलते हैं, जिसमें हमारा ए पी बड़ा है, तो ए पी माइनस बी पी जो है वो कितना है, 7 मीटर्स, और यदि ये 7 मीटर है तो ये यदि एक्स है छोटा वाला, तो ये बड़ा वाला क्या होगा, एक्स प्लस 7। इफ दिस इज एक्स प्लस 7 आई कैन राइट ए पी इज इक्वल टू एक्स प्लस 7। तो अब हमारा एक ट्रायंगल बन गया जिसमें एक साइड है एक्स, दूसरी एक्स प्लस 7 और ये साइड दी हुई 13, तीन साइड मालूम चल गई। अब ध्यान से देखो, आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा कि एक सेमी सर्कल के अंदर यदि मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो एक ट्रायंगल बनता है, और जो ट्रायंगल बनता है उसका ये एंगल क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज 90 डिग्री। कौन सा एंगल, एंगल पी। तो एंगल ए पी बी मीन्स ए पी बी या एंगल पी इज ऑलवेज 90 डिग्री। ये एक थ्योरम थी, आपको याद हो, नहीं याद है तो रिवाइज कर लो नाइन्थ क्लास को एक बार, कि कभी भी आप सर्कल में देखोगे, आप इस पॉइंट को ना पी को यहाँ रख लेते बिल्कुल इस जगह पे, और आप लाइन खींचते ऐसे करके यहाँ और यहाँ, तब भी आप देखते हैं ये एंगल क्या था, 90 डिग्री। दैट मीन्स इस सर्कमफेरेंस में इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉइंट ये एंगल हमेशा क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, जहाँ पे भी पी होगा, जब आप इसको इन डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट से कनेक्ट करते हैं। सो ये 90 हो गया, तो अब हमको ये 90 मिल गया। अब देखो, हमको मालूम है एक ट्राइंगल है, ज्योमेट्री में हमने पढ़ा था, एक साइड है दूसरी साइड दी है, हाइपोथेन्यूज दी हुई है, तो इनके तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, बेस प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। यहाँ बेस क्या है, ए पी का स्क्वायर, बी पी का स्क्वायर और इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो राइट इट डाउन दैट वे, तो ए पी का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर ए बी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, एंड इफ दिस इज ट्रू तो वी कैन राइट एक्स प्लस 7 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। लेट्स सॉल्व इट, ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला मालूम ही है, तो राइट इट डाउन, एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स प्लस 49, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर हो गया, 13 स्क्वायर क्या होता है, 169।
इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इट विल बिकम लाइक दिस। इसको भी यदि मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो इक्वेशन विल बी समथिंग लाइक दिस, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वी कैन से सो द डिस्टेंस x ऑफ द पोल फ्रॉम गेट बी सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन, ये बोल सकते हैं। एंड ये इक्वेशन क्या है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, पावर 2 है, x का वेरिएबल है, राइट, और कोफिशिएंट दिए हैं, ए बी सी की वैल्यू मालूम है। और जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए बी सी मालूम है तो मैं क्या पता लगा सकता हूँ कि वेदर इट इज़ पॉसिबल और नॉट, इसके मीन्स सोल्यूशन है भी नहीं। कैसे पता लगता हूँ, इसका डिस्क्रिमिनेंट पता लगा लो। तो पहले डिस्क्रिमिनेंट पता लगाते हैं, सो इट वुड बी पॉसिबल टू प्लेस द पोल इफ दिस सिचुएशन हैज़ रियल रूट्स, ये यदि इक्वेशन की रियल रूट्स हुई तो पोल लग सकता है, अदरवाइज नहीं। टू सी इफ इट इज़ नॉट सो लेट अस कंसीडर इज डिस्क्रिमिनेंट, द डिस्क्रिमिनेंट इज क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मैंने ए बी सी दिया हुआ है निकाल दिया, उससे निकाला डी की वैल्यू कितनी आगे 289, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट विच इज़ ग्रेटर दैन 0। और यदि ये ग्रेटर दैन 0 है दैट मीन्स वी विल गेट टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, और टू रूट्स में सो वी राइट दिस वे, सो द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ टू रियल रूट्स एंड इट इज़ पॉसिबल टू इरेक्ट द पोल ऑन द बाउंड्री ऑफ द पार्क। तो हमने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया, क्योंकि इसके रियल रूट हैं दैट मीन्स एक्स की रियल वैल्यूज आएंगी, और यदि रियल वैल्यू आएंगी तो इट इज़ पॉसिबल टू इरेक्ट द पोल ऑन दिस, इन दिस जो भी उन कंडीशन दी है सेटिस्फाई करता है, और यदि वो सेटिस्फाई करता है तो एक्स की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकाल लेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यदि आपको निकालनी है तो एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या था, ये डिस्क्रिमिनेंट यहाँ रख दिया। और 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है, यदि आपको याद है तो यू विल डायरेक्टली राइट दिस वे, क्या लिखोगे, माइनस 7 प्लस माइनस 17/2, 17 का स्क्वायर होता है 289। तो माई रिक्वेस्ट इज कि एटलीस्ट अप टू 35 के स्क्वायर तक आपको याद होनी चाहिए, सो दैट यू कैन, अदरवाइज क्या ना आप इसको सॉल्व करने में लगे रह जाओगे, एक बच्चा फट से कर देगा आपको बहुत टाइम लग जाएगा। अब देखो x की दो वैल्यू निकालिए, माइनस 7 प्लस 17 और माइनस 7 माइनस 17/2, तो राइट इट डाउन, तो एक की वैल्यू x आ गया 5 एंड x की वैल्यू होगी माइनस 12। क्या x की वैल्यू माइनस 12 हो सकती है, मीन्स ये पोल की वैल्यू पाइप इससे किसी भी रोड से माइनस में हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो वी हैव टू राइट डाउन सिंस x इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द गेट p, इट मस्ट बी पॉजिटिव। वाई वी आर राइटिंग गेट b, क्योंकि हमने गेट b से इसका डिस्टेंस x माना था, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स माइनस 12 हो नहीं सकता, x की वैल्यू क्या होगी 5। तो विल राइट देयरफॉर x इज माइनस 12 विल हैव टू बी इग्नोर, सो x इज इक्वल टू 5, एंड इफ x इज इक्वल टू 5 तो आपको ए पी की वैल्यू निकालनी क्या होगी, वो कितनी होगी 12, दैट मीन्स पॉइंट जो p होगा वो किसी भी, अभी इस कंडीशन में तो ये है कि वो b पॉइंट से 5 मीटर पे है, तो इधर से 7 प्लस 5 12 मीटर पे, या उल्टा बोल दूँ, यदि ये गेट b होता तो एक से वो डिस्टेंस पे 12 मीटर पे होगा, एक से वो डिस्टेंस कितना डिग्री पे होगा 5 मीटर पे होगा, दैट वे दोनों का डिफरेंस कितना होगा 7 मीटर, जो हमारे को सिचुएशन दिया। सो दिस इज़ अ वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। लेट्स टेक द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 18, एंड इट इज़ वेरी सिंपल बिकॉज यू हैव सॉल्व सो मेनी क्वेश्चन। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, ये दी हुए 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0, 1/3 भी हो गया तो कोई घबराना नहीं, एंड हैंस फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, मीन्स डिस्क्रिमिनेंट पहले पता लगाना है, एंड यदि वो फाइंड दैम इफ दे आर रियल, यदि रूट्स रियल है तो पता लगाना, नहीं तो जरूरत ही नहीं है। तो हमको कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे कि a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस 2 एंड c इज इक्वल टू 1/3, तो c इज 1/3। अब हमको पहले क्या बताना है, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू दिस, सारी ए बी सी की वैल्यू रख दो तो क्या वैल्यू होगी 0, एंड डिस्क्रिमिनेंट इज 0, दैट मीन्स रूट्स क्या होंगी, रियल होंगी, और क्या होंगी, दोनों इक्वल होंगी, और वो क्या वैल्यू होंगी उसकी, तो विल राइट हैंस द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ टू इक्वल एंड रियल इक्वेशन, क्योंकि डी 0 हो गया तो फॉर्मूले के हिसाब से माइनस बी प्लस माइनस डी होता है ना, अंडर रूट डी अपॉन 2 है, तो डी तो 0 हो गया, तो टू रूट्स क्या होगी, माइनस बी अपॉन 2 और माइनस बी अपॉन 2, इनकी वैल्यू डाल दो तो इट इज़ 2/6/2/6, और थोड़ा सॉल्व कर लो तो वैल्यूज आर 1/3 एंड 1/3। तो हमको इस इक्वेशन की, जो इक्वेशन दिया था उसके डिस्क्रिमिनेंट से पहले तो ये मालूम चला रूट्स होंगी कि नहीं होंगी, होंगी क्या वो रियल होंगी, और यदि रियल होंगी तो हमें 0 हो गया तो इक्वल हो गई, इक्वल होगी तो हमने रूट्स निकाले। तो दिस वे वी हैव सॉल्व द प्रॉब्लम एंड वी हैव कम्प्लीटेड दिस चैप्टर। थैंक यू। So if you have any query or feedback, please suggest and please do write to us at milabintegration@gmail.com, and please like, share and subscribe it so that we can support
you in a better way. Thank you very much. Namaste.